इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज एवं हरियाणा संस्कृत एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पंचकुला, इन दो संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में ये आज का पांचवी परिचर्चा है, इसका विषय आप सभी लोग अपने देख पा रहे हैं कि अप्लाइड संस्कृत साहित्य शास्त्री क्रिटिक ऑफ इंडियन सिनेमा। अनुप्रयुक्त संस्कृत साहित्य शास्त्रीय या शास्त्र आधारित भारतीय चलचित्र मीमांसा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने हुए हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ फिल्मों के पोस्टर्स देख पा रहे हैं, और बीच में जो है आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास शास्त्र के नाम पर उपलब्ध ग्रंथ हैं, जिनमें नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्य प्रकाश, बहुतों ने नाम सुने भी होंगे और हो सकता है किसी ने नाम ना भी सुने हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो हैं ये सारे ग्रंथ हैं और परंपरा से ये हमारे पास आज तक चले आ रहे हैं। और इन्हीं के आधार पर आज हम प्रयास करेंगे कि ये जो लगान फिल्में हैं, तारे जमीन जैसी मूवीज हैं, गाइड है, डॉन है, बंदनी है, बावर्ची, आनंद मठ, शहीद आदि आदि, ये जितनी भी मूवीज रही हैं या और भी जितनी आपको ध्यान हो सकती हैं, उन सब मूवीज को क्या हम इन शास्त्रों में पढ़ने और पढ़ाने वाले तत्वों के आधार पर, उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो जो भी हमारे पास शास्त्रीय शास्त्र सम्मत बातें हैं, उसके आधार पर क्या हम इनकी समालोचना कर सकते हैं, क्या हम इनको डिकोड कर सकते हैं, क्या हम इनको समझ सकते हैं। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि शास्त्र को आज तक हम प्रयोग करते आए हैं जो परंपरागत रूप से जो हमारे नाट्य और काव्य रहे हैं वहीं तक हमने सीमित रखा, और इसको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमने इसमें नए प्रयोग नहीं किए। तो अब समय है और परिस्थितियां भी काफी अनुकूल हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम संस्कृतज्ञों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरह से युग धर्म परिवर्तित होते हैं, उसी तरह अब 21वीं शताब्दी में संस्कृत शास्त्रों के भी जो उपयोग है, उसका प्रयोग है, उसको हमें परिवर्तन उसमें लाना चाहिए और उसको प्रयोग परक बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी सारे संदर्भ में आज की हम ये परिचर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराऊं, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ और साझा करना चाहता हूं, और उसके बाद मुख्य वक्ता को आमंत्रित करेंगे और उसके बाद खुली चर्चा रहेगी, उसमें कोई भी आप अपना सम्मति दे सकते हैं, आपके प्रश्न हो सकते हैं, आपके आक्षेप या आप लोगों की असहमति जो है वो स्वीकार्य है। और तदनंतर जो है इस परिचर्चा के समापन के अवसर पर डॉक्टर CTS कौशल, जो कि निदेशक हैं संस्कृत अकादमी के, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो चलिए सीधे हम इस विषय पर आते हैं। हम लोगों के जो अस्त्र शस्त्र हैं शास्त्र के नाम पर, हर संस्कृतज्ञ के पास, और यही अस्त्र शस्त्र जो है शब्दों के, वो हम अपने छात्रों को पकड़ा देते हैं बिना ये बताए कि इसका उसने करना क्या है। और इस शब्दावली को जरूर देखिए क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, कि जिसमें पुरुषार्थ, पात्र, नाटक, ये सब आपको पता ही है, मुझे इनको दोहराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, रस, प्रतिभा, ये सारे विषय हैं जिनसे आप परिचित हैं और इन्हीं से हम सारा अपना दैनंदिन व्यवहार चलाते आ रहे हैं पिछले कई हजार सालों से। अब जो प्रश्न है नीचे, अब आप देखिए कि ये हम सबसे पहले कि कोई भी काव्य शास्त्र पढ़ाते हुए सबसे पहले तुरंत बच्चे को पढ़ा देते हैं, धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम्। लेकिन सवाल ये है कि
कि आज तक कौन सा ऐसा संस्कृतज्ञ संस्कृत शास्त्री व्यक्ति हुआ है जिसने अर्थ और काम इस विषय से सिद्ध किया हो। इस विषय से सिद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि उसने कभी किसी मूवी की कोई आलोचना लिखी है, समालोचना लिखी है, उसके ऊपर उसने प्रतिक्रियाएं लिखी हैं और उसका जो है बड़ा उसको काम सिद्धि भी हो गई और उसको अर्थ सिद्धि भी हुई। मुझे तो लगता है कि कम से कम पिछले 70-80 सालों में मुझे नहीं लगता कि किसी संस्कृतज्ञ का मैंने कोई लेख इस रूप में पढ़ा हो कि उसने किसी मूवी की कोई समीक्षा शास्त्र के आधार पर की हो और उससे उसको पैसे भी मिले हो और यश की भी प्राप्ति हुई हो। तो कीर्ति और अर्थ काम चारों को क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे मूल प्रश्न है। दूसरा भी आप देखिए, काव्य प्रकाश में भी वो कहते हैं यश से अर्थ कृते। तो आपको कोई नाम ऐसा ध्यान पड़ता हो संस्कृत के काव्य बड़े बड़े लिख दिए 70-80-90 सालों में, लेकिन किसी को इस वजह से कोई यश और अर्थ की सिद्धि प्राप्त हुई हो कि जिसको हम कहें कि भाई उसने मूवीज की इस तरह का विश्लेषण किया, इस तरह की उसने समालोचना की कि हर अखबार वाले ने उसको छापा और उसको प्रमाणिक माना गया। तो इसी को हम और अग्रसर करते हैं कि इस बात को हम कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे अपने छात्रों को सिखाएं और खुद भी सीखें कि इस तरह से अगर हम अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, काम की प्राप्ति करना चाहते हैं, यश की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि प्रयोजन तो वही बताया। बाकी ठीक है, प्रयोजन आप मोक्ष में ले जाना चाहें तो आपकी इच्छा, लेकिन इनको जो हमारे जो वास्तविक धरातल की चीजें हैं उनके संदर्भ में इस सारे को हम जानने और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो संस्कृत के आइडियाज हैं, जो लिटरेचर है, उसका भारतीय सिनेमा पर क्या प्रभाव रहा है। उसको आप दो भागों में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे देखें तो संस्कृत लिटरेचर बेस्ड जो इंडियन सिनेमा रहा है, भारतीय सिनेमा, उसमें राजा हरिश्चंद्र बड़ा अपने समय में पॉपुलर रहा है। ये बहुत पुरानी मूवीज हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको इसके विषय में नहीं भी पता, तो आपको जो मूवीज आपने देखी हैं या आप देखे हैं आप उसी को ध्यान में रख करके इस सारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। राजा हरिश्चंद्र जो है, महाभारत, रामायण, जय हनुमान, स्त्री आदि, इस तरह की आपको एक पूरी लंबी लिस्ट मिल जाती है जो संस्कृत लिटरेचर के आधार पर बनाई गई मूवीज हैं। लेकिन उनके बारे में हम लोगों ने ना तो सिलेबस में कभी कोई चर्चा की, ना हमने क्लासरूम में, तो चर्चा कहाँ से ही करनी थी। दूसरी ओर आप एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो संस्कृत कॉन्सेप्ट बेस्ड इंडियन सिनेमा भी आपको दिखाई देता है। लिटरेचर साहित्य के आधार पर जो सिनेमा है वो अलग बात है, और उसमें जो संस्कृत शास्त्रीय जो कॉन्सेप्ट अवधारणाएं हैं विभिन्न, उसके आधार पर आप देखें कि आपको नवरंग मिलेगा, बंदनी मिलेगी, आनंद मठ मिलेगा, आपको बाहुबली जो अभी रिसेंटली बहुत पॉपुलर मूवी रही है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवीज मिलेंगी। तो एक तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद जो मैं सवाल शुरू में भी आप लोगों के साथ कर रहा था और अभी भी आप लोगों के साथ रख रहा हूं कि हाउ डज ए संस्कृतिस्ट रिव्यू, इवेल्युएट, क्रिटिसाइज, एनालाइज, डीकंस्ट्रक्ट मूवीज बेस्ड ऑन टूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन संस्कृत शास्त्र। जो जो आपके पास शास्त्र हैं, सहृदयता के नाम पर, आपके पास रस के नाम पर, आपके पास भाव के नाम पर, जो कुछ भी आपके पास है उसके आधार पर आप कैसे इनका आप में भी बांट सकते हैं। ऑफ बीट सिनेमा भी उसमें आता है और बहुत सारा, जैसे बावड़ी आदि मूवीज रही हैं, बाहुबली है, इसको मैं सेंसिबल सिनेमा में मानता हूँ। दूसरी तरफ आपको कमर्शियल सिनेमा दिखाई देता है। ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संस्कृत शास्त्र को हमने खड़ा कहाँ करना है, ये उसके लिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूं। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये जो थ्री इडियट्स जैसी मूवी रही हैं और वो जो बाकी सारी मूवीज आप देख सकते हैं, जोधा अकबर आप बीच में देख सकते हैं, और बहुत सारी ये मूवीज हैं जिनको आप, रोबोट है ये वाली, और बहुत सारी हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। अब ये जो सेंसिबल सिनेमा है
और जो कमर्शियल सिनेमा है इसको हमने, इसमें रस, इसमें ध्वनि, इसमें वक्रोक्ति, इसमें अलंकार, इसमें रीति, इसमें औचित्य आदि को हमें देखना है, और इसके आधार पर हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या अपने छात्रों को क्लास में ये कह सकें कि भैया ये मैंने तुझे पढ़ा दिया, ये रस सिद्धांत पढ़ा दिया, ये तुझे भाव बता दिए, ये बता दिया, अब तू जाकर के एक मूवी देख और उसका तू मूल्यांकन करके ला, और फिर मैं तुझे इंटरनल असेसमेंट के 10 में से 5 दूंगा, 6 दूंगा, आदि आदि। थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ा लेते हैं कि इसी बात को अगर आप सेंसिबल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा को और देखें, तो कमर्शियल सिनेमा में एक्स एक्सिस पे देखें आपको डॉन, रेस, धूम, शोले, बॉबी, बॉर्डर आदि ये मूवीज देखने को मिलती हैं, जो हमारे सामने शास्त्रीय रूप में हमें देखना होगा, जिसके बारे में विचार करना है। और सेंसिबल सिनेमा में आप क्या देखते हैं, आनंद जैसी मूवीज, बावर्ची की मैं बात कर रहा था, अभिमान, 2 आंखें 12 हाथ, बड़ी अपने टाइम में बहुत पॉपुलर मूवी रही है, बंदनी, क्रांतिकारियों की मूवी रही, और इस तरह की जो भी आपको ध्यान में आती है, जंजीर है, और ये लगान है मूवी, बहुत प्रभाव छोड़ा है इन्होंने, हमारी वृत्ति का निर्माण भी करती हैं, तो इसलिए इसको हम कैसे देखें, कैसे समझें, थोड़े से और आगे बात बढ़ा करके फिर मैं मुख्य वक्ता से आपका परिचय भी कराऊंगा और उनको आमंत्रित भी करूंगा। अब ये जो मूवीज जिनके मैंने, मैं आपके बारे में, आपसे जिनका चर्चा की, उसमें हम सामान्य रूप से जानते हैं कि हम देख लेंगे कि ये रस होता है, नेता और कथा वस्तु, ये मुख्य रूप से 3 बातों को देख करके हम अपना काम चला सकते हैं। अब इस सारी बातों को देखने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध मटेरियल है वो नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, क्योंकि सामान्य रूप से क्लासेस में यही पढ़ाया जाता है, इनके पोर्शंस पढ़ाए जाते हैं, पूरा तो कोई भी ग्रंथ इसमें से पढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर का कुछ पक्ष और वक्रोक्ति जीवितम, इनके कुछ कुछ अंश जो है हम लोग पढ़ाते हैं और अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पे आगे बात करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने रिसोर्स पर्सन के तौर पे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को आमंत्रित किया है, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और उनका बड़ा दीर्घकालिक एक अनुभव है और दृष्टि बड़ी व्यापक है और ऑब्जर्वेशंस उनकी बड़ी सूक्ष्म रही हैं, तो उनकी हमने उनसे हमने निवेदन किया कि वो हमारा इस विषय में मार्गदर्शन भी करें और दिशा निर्देश भी दें कि कैसे हम इस सारे विषय को शास्त्र सम्मत बनाएं, क्योंकि इसलिए भी, मतलब जो इस सारे चर्चा का दूसरा पक्ष रहेगा वो ये भी रहेगा कि अगर हम आज के सिनेमा से सहमत नहीं है, हमें लगता है कि वो जड़ें उखाड़ रहा है, वो लोगों को मिसलीड कर रहा है या वो लचर बना रहा है, तो हमें तो भी शास्त्र के आधार पर उसके दिशा निर्देश तय तो करने होंगे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन तो सेट करनी ही होगी। तो बल्कि आपसे बात करते हुए ये दूसरी चुनौती भी मुझे ध्यान आ गई कि आलोचना करने से पहले अगर उसको रिजेक्ट भी करना है तो शास्त्र हम के आधार पर हम ये निर्णय करें कि भाई उसको दिशा निर्देश क्या देने हैं, कि भाई ये तुम्हारी मूवी बेकार थी, नहीं अच्छी थी, उसको कैसे जो है उसका स्तर क्या होना चाहिए वो हम सब देंगे। और चलते चलते एक प्रश्न और मुझे ध्यान आ गया कि हम ठीक है अष्ट स्थायी भावों की या 9 स्थायी भाव की हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आज आप एक दर्शकों में एक नया भी एक भेद देखें, वो जो है कि कई मूवीज को वो इवेल्युएट करते हैं कि यार बोर थी या बहुत रुचिकर थी, बहुत अच्छी थी या बहुत बोर थी, तो ये बोरियत वाला भाव जो है इसको आप कहाँ पर शास्त्र सम्मत रूप से इसको कहाँ स्थापित करते हैं, और ये बोरियत का भाव, चलो इस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे जब साइकोलॉजी के ऊपर बातें होंगी हमारी वृत्ति निर्माण पे, तो लेकिन ये एक बात और ध्यान में आ गई तो मैंने आपके साथ साझा कर लिया है। तो अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो इस सारे विषय के ऊपर हमारे साथ लगभग अगले
40 मिनट में हमारे साथ बातचीत करें, और उसके बाद जो है आप सभी लोगों के हम विचार लेंगे, आप लोगों का जिस तरह का भी दृष्टिकोण होगा, जो भी आप न देंगे सुझाव, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात हमारे साथ आरंभ करें। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, सभी बंधुओं को बहुत बहुत सभी बंधुओं का धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बड़ा ही सजीव विषय रखा है और इस सजीव विषय में ध्यान देने के लिए जो प्रयास आशुतोष ने किया है, जो उसके साथ चलने वाले लोग कर रहे हैं, तो एक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एक एक ऐसी दृष्टि की ओर ले जाने का प्रयास करता है जो अपने वर्तमान को मौलिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यात करने की प्रक्रिया सिखा सकता है। क्योंकि हमारा वर्तमान है वो उपेक्षणीय नहीं है, वर्तमान की उपेक्षा तो कर नहीं सकते। तो या तो वर्तमान के साथ अपना वैसा ही तादात्म्य बना लेते हैं, या वो वर्तमान जो हमारे सम्मुख आया है उसे हम अपना बना करके उसे अपने ढंग से संस्कारित करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। दोनों बातें संभव है। ये प्रयोग जो है संस्था आपकी कर रही है, इस प्रयोग की बड़ी सार्थकता इस दृष्टि से है कि शास्त्रों में ही हमारे ये संकेत दिया गया है कि ज्ञानम भारः क्रियाम विना, बिना क्रिया के ज्ञान जो होता है वो बड़ा बोझ बन जाता है। हम देखते हैं लेकिन उसको हम समझते नहीं है, समझते भी हैं लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, उसके जीवन में व्यवहार में हम ला नहीं पाते हैं। वो केवल मात्र हमारी एक मनोग्रंथि बन के रह जाता है। फिर तो वो हमारी बहुत सारी जो अग्रसरता होती है, उस अग्रसरता में वो ग्रंथियां जो है बाधक बन जाती हैं। इसलिए ये एक प्रकार का जो हमारी भारतीय जीवन दृष्टि थी, मौलिक जीवन दृष्टि जो थी, उस मौलिक जीवन दृष्टि का पहले हमें सूत्र समझना पड़ेगा। क्योंकि वो मौलिक दृष्टि जो होती है वही विभिन्न कलाओं में, दर्शन में, विज्ञान में और सब जगह वो प्रतिफलित होती है। क्योंकि अगर वो मौलिक दृष्टि, जीवन दृष्टि जिसे हम कहते हैं, कि हमारा जो जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन जिसे कहते हैं, वो क्या रहा और वो किस प्रकार से देखने का रहा, और फिर उसको हमने व्यावहारिक रूप से लोक के अंदर उसको प्रसारित कैसे किया, क्योंकि हम लोक के प्रति बड़े जागरूक थे, लोक के प्रति हमारी जो दृष्टि थी वो सभी आप काव्यों में, नाटकों में, सर्वत्र आप देखेंगे संस्कृत के अंदर, तो वो एक बात के ऊपर सभी ये जो बहुत पॉपुलर किस्म की स्टेटमेंट आजकल चलती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन्तु भाग भवेत्, ये केवल एक ही श्लोक नहीं है ऐसा। ये आप सभी नाटकों के जो भरत वाक्य हैं उनमें आप देखोगे, देखेंगे तो नाटक समाप्त जब होता है तो उस नाटक के अंत में जो भरत वाक्य रहता है कि आखिर में इस संपूर्णता के बाद ये नाटक तो हमने देख लिया, नाटक समझ लिया, लेकिन इस नाटक को देखने के बाद इसका आरंभ कैसे हुआ और इसका अंत परिणाम कैसे हो, तो परिणाम में वो जो प्रहसन भी हैं, समवकार हैं, रूपक के कई भेद हैं, उस सभी नाटकों में, काव्यों में अंत में लोक का हित, लोक हित की कामना जो है उसको प्रकट कर दिया गया है। मोदंताम जन्म भाजय सतत कृष्णो संतु ब्राह्मण संतु संता, ये जिसने भी इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है वो आनंद का भागी हो, ये आनंद उसको कैसे मिले इसकी चिंता करना हमारा जीवन दर्शन रहा है।
अपने अच्छा स्वयं अगर आपने स्वयं आनंद का अनुभव नहीं किया तो दूसरों को आप आनंद का अनुभव नहीं करा पाते। इसलिए उससे पहले प्रक्रिया ये शुरू हो जाती थी शिक्षण समय में, हमारा जीवन दर्शन जो था वो ये था कि पहले स्वयं उस आनंद को अनुभव करें और उस आनंद का अनुभव करके फिर उसको उस आनंद को लोक हित में लोक में प्रचारित करने के लिए, प्रचारित करने का मतलब ये जो आजकल जैसे प्रोपेगेंडिस्टिक एटीट्यूड वाली बात नहीं थी, वो प्रचार का अर्थ था कि वो शेयरिंग है। जैसे उसमें भोग के अंदर कहते ना कि एकाकी न भुंजित, स्वादु जो वस्तुएं हैं स्वादिष्ट वस्तुओं को अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए, उसमें से परिवार के अंदर बांट के खाओ, समाज के अंदर बांट के खाओ जो भी खाना है। तो ऐसे ही जो जीवन दृष्टि थी उसमें भी ये था कि पहले उस जीवन दृष्टि के तत्व को समझो और समझने के बाद फिर उसको लोग के अंदर बांटने का प्रयास करो बिना समझे बिना सोचे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान काल के अंदर जितनी मैंने मेरी जीवन यात्रा रही है उस यात्रा के अंदर मेरे हम लोगों को बड़ा कुतूहल होता था कि आखिर सिनेमा क्या चीज़ है, ये चलचित्र क्या है, और इन चलचित्रों का जो आगमन था उसके साथ साथ पैरेलल उस समय नाटक जो कंपनियां थी वो भी चलती थी, वो भी अपना काम करती थी, और वो नाटक कंपनियां जो थी उन लेकिन उनका स्वरूप बड़ा विकृत हो गया हुआ था। वो नाट्य शास्त्र की बड़ा अनुकृति तो करते थे लेकिन बड़ी हास्यास्पद अनुकृतियां होती थी उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे दृश्य होते थे जो बिल्कुल एक सस्ते लेवल का जो मनोरंजन है वो करने के लिए उसके बीच में प्रकरण डाल दिए जाते थे, कुछ ऐसा होता था। वो शास्त्र का पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर रहे थे, एक शास्त्र जो था वो प्रामाणिक लोगों के माध्यम से हाथ से निकल करके एक ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो उसमें बड़ा एक तरह से हास्यास्पद बन जाता है। जैसे अनुकरण जो होता है, ये भरत लिखते हैं नाट्यशास्त्र के अंदर, उसमें अनुकृति जो है अनुकरण जो होता है तो वो अनुकरण अवस्था अनुकृति नाट्यम, जीवन की कुछ अवस्थाओं की अनुकृति हम नाट्य में करते हैं। तो अनुकृति का अर्थ हम क्या अनुकरण ले लें, नकल करना, तो फिर उसमें ये जो भांडों का और नकलचियों का ये रूप बनेगा उसके अंदर, वो अनुकरण करता है। तो अभिनव गुप्त उसमें अनुकृति शब्द की व्याख्या करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि अनुकृति का अर्थ इमिटेशन नहीं है, लेकिन सभी साहित्य में अंग्रेजी के साहित्य में इसमें हम लोग यही अनुवाद हिंदी वाले करते रहे हैं कि अनुकृति का मैं इमिटेशन का अर्थ है कि ये अनुकृति है। अनुकृति को भरत अभिनव गुप्त कहते हैं कि अनुकृति जो होती है किसी की नकल उतारना, ये तो हास्यास्पद सी स्थिति बन जाती है। इसलिए इमिटेशन का स्वरूप अनुकृति नहीं है। वो अनुकृति का अर्थ क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अनुकृति का जो अभिप्राय है वो एक प्रकार से रिक्रिएशन की स्थिति है, उसकी पुनर्रचना। जितनी बार भी आप एक नाटक को देखते हैं, आप मान लीजिए रामायण को आपने 100 बार देखा है, इतनी बार आप देखते हैं लेकिन फिर भी बार बार आप उसमें रसानुभूति करते हैं, ये प्रत्येक बार जो प्रत्येक बार जो है वो अनुकृति नहीं है, वो एक रिक्रिएशन है उस चीज को जिसको आपने पहले क्रिएट किया, आपके भीतर जो उत्पन्न हुई वही अवस्था को आपने फिर से उत्पन्न किया। वो अनुकरण जो है वो तो नकल, वो जिसे कहते थे नकलची लोग होते थे, नकलें उतारते थे, नकल उतार के लोगों को हंसाना, और ये तो इसलिए अनुकृति को कहते हैं नाटिका, वो मूल तत्व नहीं है। अनुकृति जो है वो हास्यास्पद बन जाती है, इसलिए अनुकृति को उसमें एक पुनः संरचना के रूप के रूप अर्थ में लेना चाहिए, ना कि इस तरह से। तो ये एक मौलिक दृष्टियां थी, लेकिन अब स्थिति बीच में जो आने लगी वो ये है कि धीरे धीरे वो हमारी जो मौलिक चलचित्रों की कृतियां थी, आप देखेंगे मैंने बहुत छोटी अवस्था में जो चित्र देखे उनकी एक मौलिक दृष्टि उनके अंदर रहती थी उसके अंदर, क्योंकि उसके मूल में
नाट्य के अंदर तीन तत्व उसके प्रधान होते हैं, गीत, वाद्य और उसमें जो अभिनय है। अभिनय, गीत और वाद्य, ये तीनों का मिश्रण उसके अंदर रहता था। तो उसके अंदर वो सारा जो म्यूजिक था, म्यूजिक के बीच में भी उसका जो मौलिक भारतीय पक्ष था वो प्रधान रहता था। अभिनय का पक्ष भी उसमें मौलिक रहता था उसके अंदर, और वाद्यों का भी जो स्वरूप था वो उसी प्रकार से था। लेकिन धीरे धीरे कुछ देर के बाद हमने देखा कि उसके अंदर लोगों को उनको रसोद्बोध की दृष्टि, जो मौलिक दृष्टि थी हमारी थी कि रस प्राप्ति की, अभी रस के बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत ही विस्तृत सा हो जाता है। तो लेकिन सामान्य रूप से आपको ये मैं थोड़ा बता सकता हूं कि रस दृष्टि हमारी एक मौलिक दृष्टि थी, बल्कि यहां तक कहा गया आचार्यों ने कि नाट्य जो है नाट्य ही रस है, रस में और नाट्य में भेद नहीं है। ये जो नाट्य शास्त्र के अंदर अंतर किया गया कि ये नृत्य है और नाट्य है, तो नाट्य जो है वो भिन्न है, उसको अलग कैसे किया कि नृत्य जो है, नृत्य में तो केवल मात्र अंग विक्षेप मात्र होता है, उसमें कोई भाव उसके पीछे है या नहीं है। तो हमारे फोक डांसेस बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके अंदर सिर्फ लोग जो हैं वो अंग विक्षेप उसमें करते हैं, और उसके पीछे एक उनकी अपनी लय होती है, एक मूवमेंट की गति की जो लय है, नित्यम ताल लय आश्रितम, उसको व्याख्यात कर दिया आचार्यों ने कि ताल और लय के ऊपर, बस ताल और लय को ही अप्रिशिएट करता है, इसलिए वो नृत्य है। और नृत्यम जो है पदार्थाभिनय और नृत्यम, और नृत्य जो है वो क्या है कि पदार्थाभिनय किसी भाव विशेष को कोई चलचित्र आपका स्पष्ट कर रहा है, वो भाव भाव के अंकन तक रह जाता है वो उसमें। लेकिन उसको क्या कहा उन्होंने, पदार्थाभिनय और नृत्यम, पदार्थ का, जिसमें पद का अर्थ, पद तो आप समझते हैं कि पद का अर्थ है कि एक शब्द है, तो यहाँ शब्द का अर्थ ना करके उसका अर्थ करना पड़ेगा आपको भाव। ये भावाभिनय जो है, भाव का जब आप अभिनय करते हैं तो कुछ चित्र होते हैं वो आपको भाव का अनुभव करवा देते हैं, लेकिन रस तक नहीं ले जाते हैं वो आपको। नृत्य जो है वो भाव में भी नहीं है, वो सिर्फ आपको मूवमेंट, जैसे बहुत सारा ये जो आपके फोक डांसेस हैं उनके अंदर लोग जो हैं वो बस लय में आकर के उसमें बड़ा आनंद लेते हैं, उसमें जो भी उनको मिलता है अच्छा लगता है, दैट इज नित्यम ताल लय आश्रितम। और भावाभिनय वो नृत्यम, और भाव का अभिनय जो है वो नृत्य है। लेकिन नाट्य को कहा वाक्यार्थाभिनय वो नाट्यम, जहां पर एक वाक्यार्थ मतलब वो पास भाव नहीं बल्कि एक उसका पूर्ण निर्वाह, एक आपने प्रक्रिया के अंदर ऐसी स्थिति में आपको ले आए कि आपने रसानुभूति, रस का अनुभव किया। अब समस्या ये थी कि भारत के अंदर बड़ी गंभीरता से जितनी जो पहले चलचित्र बने उनमें रसानुभूति कौन कराए, इसके लिए बड़ी होड़ होती थी। वो चलचित्र जो 40s में बने, उनमें से जो चलचित्र हमने देखे 40s में, 50s में देखे, 60s में देखे, या दूसरे जब भी, लेकिन एक तो होता ये था कि उसमें से वो जो स्टैंडर्ड होते थे, कई तरह के चित्रों का अगर वर्गीकरण करना हो पहले आपको वर्गीकरण कर लेना चाहिए कि कुछ एक जो है प्रेमाख्यानक ही है, उनमें प्रेम के आख्यान, लेकिन प्रेमाख्यानकों में भी हरेक का प्रेमाख्यान का अपना एक इंडिविजुअल स्वरूप है, वो अलग किस्म का है, प्रेम है लेकिन प्रेम के भी अलग अलग स्वरूप जो है, प्रेम का भी उसमें जो एक विलक्षण वैलक्षण्य उसके अंदर, कला के अंदर जो वैलक्षण्य करोति वैलक्षण्यम, वो वैलक्षण्य जो है वो आपको कला उसमें मिलेगा चित्रों के अंदर। एक ही चित्र है उसके अंदर प्रेम का स्वरूप। अब 1952 में बैजू बावरा आ गई, बैजू बावरा रिकॉर्ड था, बहुत ही पॉपुलर हुई बहुत लोगों ने, और ये जो बात हजार उपदेशों से नहीं समझाई जा सकती थी वो उस चलचित्र के माध्यम से लोगों में भारतीय दृष्टि, वैष्णव दृष्टि के प्रति लोगों की आस्था बनाने में
उस चलचित्र का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे मैं समझता हूँ, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस समय, इट वॉज 1952 में जब वो आई। और उसका तीनों चीजें, उसका अभिनय, उसके जो गीत थे, उसका जो काव्य था, उस सभी जो सभी का सभी जो था, वो एक लोक चित्त को ऐसा प्रभावित किया कि गली गली घर घर में लोग उसी तरह से लोगों का चिंतन, मानसिकता का निर्माण करता है कला के माध्यम से। कलाकार उस जीवन दृष्टि को देने का प्रयास करता है। कलाओं का अपने में कोई प्रयोजन ऐसे ही नहीं होता है। अगर प्रयोजन नहीं है उसका, रसानुभूति कराना प्रयोजन है। रसानुभूति का मतलब है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद समाज को भी ट्रांसफॉर्मेशन में लाना चाहता। बिना प्रयोजन की जब कला होती है तो वो नृत्यम ताल लय आश्रितम, वो आप केवल मात्र ताल और लय के ऊपर नाचते हैं। भगवान शंकर का जो प्रजम नृत्य जिसे कहा जाता है, वो नृत्य है एक तरह का, कि उसके अंदर ताल और लय और उसके अर्थ क्या है। और इसलिए उनके साथ मैं समझता हूँ कि ये जो डमरू का संयोजन है, ये जो चरम नद्ध वाद्य है, नद्ध वाद्य का संयोजन जो है, नद्ध वाद्य में अब भाव क्या है उसकी अपेक्षा ताल और लय में बांध देता है, और उसका ताल और लय, सृष्टि का ताल लय उसका उद्बोधन करता है। तो वो जीवन दृष्टि जो थी, रस दृष्टि थी, एक चलचित्र का मुझे याद है कि इतना प्रभाव हुआ कि सब जगह रेडियो के ऊपर अब वो आता रहा, जो जीवन दृष्टि। और थी क्या, वो एक प्रेम कथा थी, लेकिन प्रेम का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया था, उसके पीछे एक बहुत वैष्णव चेतना का संस्कार था। तो मुझे अब तक याद है कि उसका म्यूजिक ने, उसके संगीत ने, उसके अभिनय ने, कथा ने, नाट्य ने, सभी अंगों ने बहुत प्रभावित किया उसका। तुरंत ही उसके एक दो वर्ष के बाद एक दूसरे चित्र आया, अनारकली आ गई, बड़ी सिंपल, बड़ा ब्लैक एंड वाइट के अंदर थी, लेकिन उसके आने के एक दो साल बाद ही वो शायद आ गई थी। तो उसका भी म्यूजिक का इतना, उसका म्यूजिक ने इतना बांधा कि रात को 2-2 बजे हम जब बस में चलते थे तो ड्राइवर जो थे वो बसों में, हमने तो वो रात भर वो अनारकली का म्यूजिक सुनना पड़ता था। सभी सवारियां बैठी हुई हैं दिल्ली से उसमें चंडीगढ़ आने के लिए, लेकिन सब लोग सुन रहे हैं उसका, और सब आनंद उसमें मस्ती में जा रहे हैं सब लोग। तो कलाओं के माध्यम से चलचित्र जो है जो काम कर सकते थे, एक जमाने में जो नाट्य ने काम किया, नाट्य जो था, क्योंकि आजकल कुछ लोग ये ऐसा सोचने लगे हैं कि नाट्य से चलचित्रों की जो चेतना है वो बड़ी भिन्न है, ज्यादा व्यापक है, या कुछ इस तरह की बातें भी सुनने में आती थी। लेकिन हमारे जो मौलिक दृष्टि रही, उसके अंदर ये बात रही है कि हमने नाटक की भूमिका को केवल एक जाति या एक वर्ग या एक कुछ छोटे मोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। उसको त्रैलोक्यस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, संपूर्ण त्रिलोक ही नाटक का विषय बन जाती थी। इसलिए नाटक की जो बैकग्राउंड है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक इंडिया तक ही सीमित है, सिर्फ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है उसके पीछे। त्रैलोक्यस्य नाट्यशास्त्री जो उसको रखता है कि तीनों लोकों में, कि ब्रह्मा ने जब पहले ये नाट्य की रचना की तो पितामह ब्रह्मा ने नाट्य को रचा और रच करके भरत को कहा कि तुम इसका प्रयोग तुम करो अब। और उसके अंदर नृत्य का जो नृत्य का प्रयोग किया वो भगवान शंकर ने किया। और कहते हैं कि लास्ट जो नृत्य था उसमें कहा गया कि नाटक तुम्हारा जो ठीक बन गया, लेकिन इस नाटक के अंदर स्त्री पात्रों के बिना ये तो कुछ बात बन नहीं रही है नृत्य के अंदर। तो उसमें शक्ति ने, उसमें उमा ने लास्ट नृत्य सिखाया, किसी अप्सराओं को जन्म दिया उसने, ब्रह्मा ने, तो उसमें स्त्री प्रातों का अभिनिवेश हुआ।
तो नृत्य से नृत्य तक, नृत्य से नाट्य तक आते आते नाट्य को एक संपूर्णता की दृष्टि दी गई। और उसका जो विषय था वो कहते हैं न तत् शिल्पो न तत् ज्ञानम न सा विद्या न सा कला जायते जन नाट्यंगम अहो भारो महान। ऐसी कोई दुनिया की कोई घटना है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य का अंग नहीं बन सकता है। इसलिए नाट्य का प्रयोग जो है उसकी पृष्ठभूमि आप जरा देखिए कितनी यूनिवर्सल दृष्टि बना करके रखी गई नाट्य की। इसलिए उसमें वे बॉलीवुड के अंदर अगर हॉलीवुड प्रवेश करने लगेगा तो हमें थोड़ी छाननी लगानी पड़ेगी दिमाग की कि हॉलीवुड जो है अननेसेसरी कुछ लोगों का जिनके पास थोड़ा सा आर्थिक सुविधा, क्योंकि आजकल बहुत है तो आर्थिक सुविधा के कारण कुछ लोग नए नए कुतूहल वृत्ति, उनकी रस दृष्टि नहीं है, कुतूहल दृष्टि जो होती है वो एक कुतूहल दृष्टि, अगर कुतूहल दृष्टि होकर के रह जाए तो वो कुछ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बन पाती है। कुतूहल वृत्ति को हमें रस दृष्टि में परिणत करना होता है कला के माध्यम से। अगर वो रस दृष्टि में परिणत नहीं होती है तो वो अपनी संपूर्णता और स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाती है। इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये जो चलचित्र उस समय बने इनमें से कुछ लोगों को चिंता होती थी। मुझे याद है कि 1946-47 के आसपास हमारे पिताजी को उनके विद्यार्थी ने आकर के बताया कि गुरुजी कादंबरी चलचित्र आया है। हम सारे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कादंबरी पर भी क्या, बाणभट्ट की कादंबरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उसमें एक ऐसा महनीय ग्रंथ था कि इतना श्लिष्ट इतना कठिन कथा काव्य है तो बड़े बड़े पंडित लोग भी जिसका पढ़ाने में संकोच करते थे। तो कादंबरी उस माँ वैसे काव्य का कि किसने चलचित्र के अंदर कौन है जिसने यह प्रयोग किया है। फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा कि नहीं अभिज्ञान शाकुंतल भी आया है। फिर भोजराज के समय, भोजराज संस्कृति बहुत राजा थे लेकिन संस्कृति बहुत बड़े विद्वान थे और इसका जो यत्किंचित अस्मिन् लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम् वा तत्सर्वम् शृंगारेण उपमीयते थे, श्रृंगार के भोजराज जो थे, श्रृंगार प्रकाश उन्होंने ग्रंथ लिखा और श्रृंगार को कैसी, अब श्रृंगार की जो बात कर रहे हैं कला के अंदर उस श्रृंगार का मतलब वहां सिर्फ कोई मुंह सिर को श्रृंगारना ही उनका अभिप्राय नहीं था। श्रृंगार को रस रूप में परिणत जब तक करना है, जब तक उसका श्रृंगार जब तक वो रस रूप में परिणत ना हो जाए तब तक उसके अंदर एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया को कहते हैं संस्कार, परिष्कार कहते हैं। वो किस किस तरह से उसका परिष्कार होगा ये कलाविद लोग जो थे, आचार्य लोग, ये जानते थे और उसको ऐसी व्यावहारिकता से, जो कठोर व्यावहारिकता से उससे उसे बचाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे कलाओं को उस समय भी ये था, ये संभवतः मनुस्मृति में जो कहीं अन्यत्र कलाओं की, कुछ कलाओं का वर्जन किया गया है कि सामाजिक लोगों को कलाओं को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तो जैसे कुछ बुजुर्ग लोग भी कह देते हैं कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा सिनेमा विनेमा देखने में क्या है वहां पर और ये सारा उसमें। लेकिन उसके तुरंत अपोजिट याज्ञवल्क्य आदि ने तुरंत उस बात का विरोध किया और कहा कि नहीं ये जो है उसमें जो उसमें संगीत को जानना जो है उसमें तंत्री वादन तत्वज्ञ है श्रुति जाति विशारदा, जो तंत्री वादन जो वीणा वादन में वीणा वादन के तत्व को जानता है, सितार के अंदर अपनी आत्मा को जो अनुप्रवेश करा सकता है वो तंत्री वादन तत्वज्ञ है। एक जड़ पदार्थ के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या है, बड़ा जड़ पदार्थ है, जड़ को चेतन बना देता है जो अब उसके अंदर अपनी उंगली के स्पर्श से उसको तो वो तंत्री वादन तत्वज्ञ है, श्रुति जाति विशारद है और जो स्वरों के रहस्य को प्रत्येक स्वर के 22 श्रुतियों को जो समझता है
वो श्रुति जाति विशारद है, श्रुतियों की जाति में जो समझने में जो चतुर है वो क्या है, तालज्ञश्चा प्रयासेन मोक्ष मार्गम निगच्छति। अरे संगीत के माध्यम से तुम धर्म अर्थ काम ही नहीं, तुम मोक्ष के मार्ग में भी वो मुक्त भी करता है, क्योंकि रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, रस शब्द का उत्पन्न होना जो है वो उपनिषदों का देन है, वो भी वेदों श्रुतियों में अनुप्रयुक्त हुआ रस शब्द का। ये लोग जो वहां प्रकृति के किनारे रहते थे वो लोग जब रस की बात करते थे तो उसमें रस के लिए वो कहते जो यो शिवतमो रस, हे नदियों हे जल, आप लोगों का जो शिवतम रस है तस्य भाजयते न, कभी हमें उसको आप दिखाइए, उसका अनुभव कराइए। सूरज के आगे खड़े होते हैं तो वो सूरज के आगे प्रार्थना करते हैं कि ये जो तुम तत्त्वम पूषण पावन सत्य धर्म आय दृष्ट है, कि हे सूर्य आपका ये जो बाहर का जो ग्लोरियस रूप है, जो ग्लैमरस रूप है, ये ग्लैमरस रूप जो है ये तो देख लिया हमने, ये रोज ही देखते हैं, लेकिन इससे हमें संतुष्टि नहीं हुई है। आपका जो अत्यंत मार्मिक रूप, जो आपका केंद्रीय भीतर का जो पक्ष है, आप उसमें अनुप्रवेश हमारा किसी तरह से कराइए कि हम उस सूर्य नारायणम देवम, उस सूर्य नारायण को हम देख सके। तो वो सूर्य नारायण क्या है, उसके भीतर का, उसी को कहा कि वो जो रस तत्व है, रस जो है वो जलीय भी होता है, लेकिन रस का जो निर्माण सिद्ध लोग करते थे वो भी रस का निर्माण करते थे। तो रस सिद्ध कवियों को हम लोगों ने एक्नॉलेज किया, कालिदास आदि, उनको जब मम्मट कहते हैं कि जयंती रस रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां येषा काय जरा मरण जम है, तो ऐसे जिनको जिनकी रचना को न जरा का न बुढ़ापे का न मृत्यु का, कालिदास आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना आज से 1500-2000 वर्ष पहले था। इसलिए इन चित्रों के अंदर भी उस चेतना की रक्षा करने का इन लोगों के शांताराम का विशेष रूप है। जब शाकुंतल आया तो संस्कृत के लोगों में कुछ आशा जगी, संस्कृत के लिए वो एक बड़ा नैराश्य का पीरियड था। जो नए लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि किस स्थिति में से उन्होंने अपने आप को जिंदा कैसे संस्कृत में रखा है। पिछले 500-600 वर्ष से संस्कृत को जिंदा रखने वाले लोगों को, नई पीढ़ी को नित्य श्रद्धांजलि प्रदान करनी चाहिए कि उन्होंने आप तक पहुंचाया कैसे इसको, बड़ी विपरीत स्थितियां थी। तो जब ये उसके अंदर जो लोग बीच बीच में कोई कोई जो उसमें प्रयोग करता था भारतीय चेतना का, भारतीय मौलिक दृष्टि को जो बचाना चाहते थे, ये उन लोगों का बिल्कुल जैसे कोठड़ी में दीपक जलते हैं ऐसे, वो कोठड़ी में दीपक की तरह वो जो जलते रहे और उन्होंने रक्षा करके आप तक पहुंचाया इसको। तो शांताराम वाज वन ऑफ देम, उसने जो जितने प्रयोग किए, एक प्रयोग किया उसने कि भारतीय जो नृत्य कला है, नृत्य का मर्म क्या है, नृत्य का मर्म क्या हो सकता है। तो उस समय के आचार्यों के अनुसार उन्होंने, मुझे याद है, झनक झनक पायल बाजे की फिल्म बनाई, तो झनक झनक पायल बाजे में नृत्य और उसका, और उसमें वो हम लोगों को देख करके उस समय बड़ा कि वो डांसिंग बुझा उनका शिष्य है, वो आचार्य उसको जरा सा गलत देखते हैं कि वो ठीक से उसका ध्यान जो है वो ठीक से नहीं है, वो नृत्य में कहीं उसके गलती हुई तो वो लकड़ी मार दी उसके पैर में और फिर स्वयं ही उसके लिए उसको उपचार नहीं करते हैं। वो झनक झनक पायल बाजे का थीम जो था वो उस रस दृष्टि के अनुकूल वो बना। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि भारतीय चित्रकला, अब चित्रकला में भी रस दृष्टि कैसे काम करती है सभी कलाओं के अंदर, तो चित्रकला के लिए भी उन्होंने एक चित्र बनाया, चलचित्र, जिसका नाम रखा दूध जो बन गया, बन गई मोती। अब ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर शुक्ति रजत कहा, ये मौलिक दृष्टिकोण है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही शुक्ति जो है वो ग्रहण करती है। अगर आप लोग
देखते हैं, उसे पढ़ते हैं भर्तृहरि का, तो वो कहते हैं कि वही एक पानी का बिंदु होता है, वो संतप्त आयसी संस्थित वो संतप्त आयसी उसमें तपते हुए तवे के ऊपर वही बूंद गिरती है, तो उसी समय भाप बन के उड़ जाती है। मुक्ताकार तया तदेव नलिनी पत्रस्थितम राजते, और वही नलिनी कमलिनी के पत्र के ऊपर वही बूंद अगर गिरी हुई होती तो उसमें कितनी खूबसूरत लगती है वो, लेकिन वही शुक्ति के मुंह में जब चली जाती है तो वो कैसे मोती बन जाती है। तो वो मोती बनने वाला एक बहुत ही साधारण स्कूल टीचर के परिवार का बच्चा किस प्रकार से चित्रकला के अंदर सारी जीवन दृष्टि को डाल देता है। दर्शनों को पढ़ने की जो एक्सरसाइज है कला, उससे हमें बचा करके बड़ा सजेस्टिवली बड़ी उसे ध्वनि ध्वनि शब्द हम करते हैं, हमें ध्वनि अर्थ को समझना चाहिए। वो उसका जो फ्लेवर है, जो उसका एक उसका जो एक सौरभ है, उसकी जो सुगंधी है, वो ध्वनन है उसका। तो वो ध्वनन जो है उसके माध्यम से वो चित्रकला का, तो काव्य कला का, नवरंग के अंदर काव्य कला को दर्शन को प्रतिष्ठित किया कि कवि का दर्शन क्या, कविता का दर्शन मौलिक क्या है, चित्रकला में चित्र का दर्शन क्या है, नाट्य कला के अंदर फिर रह गई थी एक उसमें आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के सॉरी हाँ ये मूर्तिकला, तो मूर्तिकला में भी उसने एक बनाई फिल्म, उसमें गीत गाया पत्थरों ने कि पत्थर जो हैं उनके अंदर किस प्रकार से मूर्तिकार, हमने देखा कि मूर्तिकार जो हैं कलकत्ता में इधर जब भी कि मूर्तिकार जो हैं 6-6 महीने पहले उसमें जप करते हैं, अपने देवता का आवाहन करते हैं, जिसके भी बनाना है तो पहले उसको प्रतीक्षा करते हैं। ये प्रतीक्षा क्या है, ये हमारी तप दृष्टि का नाम ही प्रतीक्षा है, जो हम तपस है हमारा, हम प्रतीक्षा में हैं कि वो बिंदु चुएगा, वो रस की अनुभूति का एक क्षण आएगा, उस समय निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसके लिए ये एक प्रतीक्षा जो है वो तप रूप है, इसलिए वहां पर वो एक उस तपश्चर्या के रूप में वो एक प्रतीक्षा है उसके अंदर। तो वो धीरे धीरे मूर्तिकार जो हैं वो कैसे मूर्ति के अंदर पत्थर के अंदर ऐसी दृष्टि, ऐसी देवता की दृष्टि बना देते, वो मूर्ति मंदिरों में अंदर प्रतिष्ठित होती है, तो लोग कहते हैं कि अरे उस दृष्टि का आकर्षण देखो, उसके अंदर मूर्तिकार ने पत्थर के अंदर अपने आप को डाल दिया, पत्थर की सारी कठोरता को परे हटा करके उसके भीतर मूर्तिकार का चैतन्य जो था वो अनुप्रविष्ट हो गया। और जब हम लोग ये उसमें वृंदावन गए तो वृंदावन में एक मंदिर के अंदर मूर्ति थी, तो उसमें लोग कहते थे कि पुजारी लोग, वो एक तरह का लोगों का अपना वो होता है आडंबर, कि वो एक क्षण के लिए दिखाते थे और दूसरे क्षण वो बंद कर देते थे। तो हमने पूछा कि ये क्या करते हो कि ये कृष्ण की मूर्ति जो है इसका बार बार पर्दा आगे से हटा देते हो, पीछे करते हो, आगे करते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कृष्ण की मूर्ति कोई आंखों में वो आकर्षण है कि ये कोई बंगला महिला थी, लड़की थी, उसको दृष्टि जो थी उसकी कृष्ण की दृष्टि के साथ मिल गई तो मूर्ति चल पड़ी थी वहां से, ऐसी कल्पना वो लोग हमें सुने सुन करके थोड़ा उस समय आश्चर्य भी हुआ, हंसी भी आई, बहुत छोटे थे। लेकिन अब बात इस बात की नहीं है कि मूर्ति चलती है या नहीं चली है, बात यह है कि मूर्तिकार ने उसकी आंखों में बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा के अंदर, बुद्ध के नेत्रों में करुणा को उतार लाना, पत्थर में करुणा को उतार देना, इसके लिए एक जीवन दृष्टि चाहिए पूरी। तो वो चित्र इन फिल्मों ने उस चित्रकला के दर्शन को शांताराम ने वहां पर अभिव्यक्त किया और नवरंग में ला के उसने दृष्टि उसकी जो चली गई थी, ये तो एक प्रयोग था, शांत रस का प्रयोग था एक तरह से, ये जो उसकी फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ, जिसका मूल रस अगर हम मूल स्थाई भाव कहें तो उसके अंदर वो एक प्रकार का है कि अहिंसा,
और वो क्योंकि उस समय गांधियन टाइम का एक दृष्टिकोण जो था, अहिंसा का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हम उसमें जो क्रूर से क्रूर अपने पर कुछ भी है उनको हिंसा से नहीं सीधा करेंगे, अहिंसा से करेंगे, उस दर्शन को लेकर के चला। तो ये सब जो चित्र थे, लेकिन इनमें भी जो भीतर तक अनुप्रवेश और जो बहुत ही इसमें सूक्ष्म विमल राय की बहुत सारी फिल्में थी, ये वंदनी जिसका जिक्र करते हैं, क्या अद्भुत, अपने आप में एक महाकाव्य है पूरे का पूरे, ये पूरा महाकाव्य है। जैसे नवेंदु घोष ने इसकी शायद कथा लिखी थी, और कथाकार का और उसके अंदर जो संगीतकार है और संगीतकार के साथ जो संगीत का निर्देशक है, संगीत निर्देशक है एस डी बर्मन, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग है, उसकी उस मार्मिकता को अगर आप देखें, और अभिनय है, अद्भुत अभिनय है उसमें, वो एक ऐसे ही बंदिनी को मैं बहुत गहन दृष्टि से उसको जब भी देखता हूँ तो मुझे उसमें संपूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से वो, जैसे कहना चाहिए कि ये भारतीय दृष्टिकोण से जो बने हुए चित्र हैं, ये उसमें क्या करते हैं, ये एक कलाविद लोगों की तपश्चर्या से आपको ट्रांसफॉर्म, सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। वो जो रूपांतरण है, ये समाज का जो वर्तमान रूप है उससे कैसे जो जड़ हो गया है, वो जड़ हो गया है उसको चेतन में कैसे परिवर्तित कर दे, ये एक प्रकार की जीवन दृष्टि हमारी रही। और इस जीवन दृष्टि को संस्कृत के लोगों ने इस परंपरा को विशेष रूप से वहन किया अपने पर, दूसरे लोगों ने भी किया, लेकिन संस्कृत दूसरे लोगों से कोई अलग नहीं थी, लोक भाषाओं के साथ संस्कृत का बहुत गहन संबंध था, लोक भाषाओं से संस्कृत लेती थी, संस्कृत से लोक भाषाएं लेती रहीं, थ्रू आउट यही चलता रही प्रक्रिया, और मिलकर के एक ऐसे समाज का भारतीय जीवन दृष्टि थी जिसको, और मैं समझता हूँ कि ऐसी गाइड थी और दूसरी बहुत सी जितनी आगे हैं इनको एक चलचित्रों की अगर एक एक की व्याख्या करनी उसमें पढ़ेंगे तो उसमें कोई रसानुभूति इस तरह से बहुत शीघ्रता में, वो जल्दबाजी का काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर वंदनी को ही देखें तो उसके आप एक हृदय की जो अच्छा एक बात पर विचार करना चाहिए, आप लोग भी कभी सोचे इस विषय कि मनुष्य जो है वो सामान्य अनुभव से विशिष्ट अनुभव में कब जाता है, ये प्रश्न आप अपने साथ कीजिए कि जो सामान्य अनुभव एक कला है उसे हमें सामान्य अनुभव हुआ, हमें अच्छा लगा, ठीक है अच्छा लगा, लेकिन एक अच्छा लगना काफी नहीं है, वो कहता नहीं अच्छा लगना क्या होता है, प्रश्न यह है कि ये मेरे भीतर में कैसे चीज उतर गई, उसका अवतरण चेतना में कैसे अवतरण, उसका अनुप्रवेश कैसे हुआ, अपने में प्रवेश करके एक उसमें उपन्यास के अंदर उसने उठाया प्रश्न ये एक कथा में कि उसमें नर्तकी जो थी मंजुला नाम था शायद उसका, वो बहुत ही नृत्य कला के अंदर बहुत ही पारंगत थी, तो उनका उसमें राज्यसभा में नृत्य हुआ और नृत्य में सभी लोग वाह वाह करने लगे, लेकिन बीच में से उठ कर के एक आचार्य ने कहा उसको कि आज मंजुला तुम हमेशा दूसरों के लिए नाचती रही हो, आज हम चाहते हैं कि तुम अपने लिए नृत्य करो, और वो नृत्य जो है वो उसके लिए अपने लिए नृत्य करो। इस चैलेंज को उस नर्तकी ने स्वीकार किया और वो नृत्य जो था वो अपने आप में बहुत ही अनुभव था। इसलिए वो कला जो आपको विशेष रूप से अपने भीतर प्रवेश करने के मदद करती है, क्या वो इस चलचित्रों के माध्यम से हो सकता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा ये कई बार कि विमल राय के चित्रों में या दूसरे चित्रों में या शांता के, ये लोगों ने प्रयोग करने की कोशिश की है कि लोगों के भीतर तक भी बात उतरे। अब एक बिहार का पंडित धनीश्वर नाथ रेणु
एक कहानी छोटी सी लिख दी उसमें, बड़ी छोटी रेणु ने उसके अंदर तीसरी कसम लिखी उसमें। अब वो तीसरी कसम में ये विशुद्ध रूप से ग्रामीण, उसके जो उपन्यास थे फणीश्वर रेणु का मैला अंचल, मैला अंचल क्या है भारत का, वो आधुनिक भारत भी नहीं है, वो गांव का वो भारत है जो बिल्कुल ही सर्वथा उपेक्षित है, उस उपेक्षित भारत के एक कोने के, लेकिन उसमें भी एक दृष्टि है, वो दृष्टि जो है उस दृष्टि को उस चित्र के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। और वो उसको अगर आप देखें उसका नित्यम गीतम तथा वाद्यम, ये तीनों का जो मिश्रण उसमें, जैसे हम कहते हैं कि वाक्यार्थाभिनय नित्यम, वाक्यार्थी वाक्यार्थाभिनय नाट्यम, नाट्य जो है वो एक वाक्यार्थ संपूर्णता का अभिनय है। इसलिए इस संपूर्णता के अभिनय की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा पता कि ये एक संस्कृत जो है ये पहले भी संस्कृत के बैकग्राउंड से लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ये 1949 के आसपास एक अमृत मंथन उसका नाम बहुत बड़े बुजुर्ग लोगों ने, वो राजा भोज के चाचा थे, नुंज की कथा के ऊपर 10th सेंचुरी के इंडिया की वो स्टोरी थी। फिर ये क्रांतिकारियों की फिल्म है, ये इसके ऐतिहासिक फिल्म में हमारे योद्धाओं के चित्र, और ये सारे एक परंपरा को साक्षात्कार करने में मैं समझता हूँ ये चलचित्र अगर ठीक दिशा में जाके, वो हॉलीवुड के अंधकरण में नहीं, जो उसमें ग्राह्य है वो ग्राह्यम अपास्य फलगु, और उसमें फलगु का परे घटा करके अगर उसमें से अगर वो हम करें तो उस प्रयोग से हमें, मैं समझता हूँ काफी इससे एक सामाजिक और वैयक्तिक रूपांतरण की प्रक्रिया के अंदर सहायता मिल सकती है। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि जो आशुतोष की अपीयरेंस जो है वो शो कर रही है कि मैं अपनी बात को ऊंचा उठा करूँ और शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके इस वक्तव्य के लिए। कई पक्ष आपने हमारे सामने और रख दिए हैं, और ये भी आपने हमें संकेत किया कि इस सारे चलचित्रीय मीमांसा को शास्त्र के आधार पर मूल्यांकन करने से पूर्व हमें दृष्टि के ऊपर ज्यादा केंद्र करना चाहिए, और फिर उसके बाद इस शास्त्र को जो है और चलचित्रों के आपसी तालमेल को समझना चाहिए, और अगर वो इस दृष्टि से बाहर जाते हैं तो उसको हमें नियंत्रित और मर्यादित करने के लिए भी कुछ ना कुछ मॉडल या हमें कुछ दिशा निर्देश देने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी बातों से मुझे ये लगा, और मुझे लगता है कि डॉक्टर सी डी कौशल जी और बाकी सब मेरे साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि ये चर्चा, इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर कार्यशाला मुझे लगता है लगाने की हमें आवश्यकता है, ताकि हम उसका मूल्यांकन करने के जो प्रश्नावलियां हो सकती हैं और किस तरह से ये हमें छात्रों तक लेके जाना है, और फिर उससे छात्र कोई ना कोई रिव्यू लिख सकें या हम लोग रिव्यू लिख सकें, और फिर उसको हम आगे कैसे लेके जाएं, इस सारे विषय के ऊपर मुझे लगता है हमें एक कार्यशाला के रूप में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रश्नोत्तर भी, टिप्पणियां भी, समीक्षा भी, जो भी आप लोगों को इस विषय में कहना है। तो सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, और उनकी तो बड़े विशेषज्ञता है इस फिल्म म्यूजिक के ऊपर उनको इतने गाने याद हैं कि वे हर परिस्थिति के लिए उनसे जब चाहें आप गाना सुन ले। उनकी तीन ही रुचियां हैं, मतलब मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी सबसे प्रथम रुचि है, दूसरी रुचि उनकी भगवत गीता है, और भगवत गीता और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, और यथा समय हम उनका एक लेक्चर भी लेंगे, और तीसरी उनकी सबसे गहरी रुचि है ये फिल्मों के बारे में,
और जितनी जानकारी उनके पास रहती है वो बाकी प्रशंसा के योग्य। बहुत गाने उनको याद है। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद सर। आशुतोष जी, एक तो पहले तो ये कि प्रशंसा इतनी ना किया करें नहीं। और बाकी जो सहभागी हैं उनसे इतना मैं जरूर कहूंगा कि मित्रों की प्रशंसा को कभी सत्य ना माने प्लीज। सर ने जो भी कहा इतना सुंदर व्याख्या की है, मेरा मन ये कर रहा था कि इनको सुनता ही रहूं। और मैं बस थोड़ी टिप्पणी करना चाह रहा हूं सर कि यदि आप भारतीय सिनेमा का इतिहास देखें तो प्रारंभ तो हमारा भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित चित्रों से हुआ था। वो चाहे फिर राजा हरिश्चंद्र हो या राम राज्य हो, ये किसका क्वेश्चन भी आया करता है। ये हमें, मेरे को अभी भी याद है, हम पूछा करते थे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म देखी है, उस फिल्म का नाम बताओ। फिल्म थी राम राज्य, जिसमें शोभना समर्थ थी जो काजोल की नानी है। अब मैं जो सर इसमें दो तीन बातें कहना चाह रहा था। आपने बहुत ही अच्छा, विमल राय हो चाहे वी शांताराम हो, उनके जो योगदान को इस ढंग से लिया, बहुत ही विस्तृत लिया है। और समय की कमी कारण आप शायद और भी ले सकते थे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सर मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, एक परिवर्तन जो देख रहा हूँ मैं। एक दो उस परिवर्तन से पहले एक दो फिल्मों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ। एक तो राज कपूर की फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें आप देखिए तो पूरा भारतीय संगीत की पृष्ठभूमि पर ही है वो फिल्म। और दूसरी है शशि कपूर की फिल्म थी उत्सव, उसमें भी जो हमारे मनों के भाव हैं, आवश्यक नहीं कि वो सात्विक ही भी हों। जैसे मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को जब कहता, जब तमोगुण की बात आती है थी तो उसके एक गाना मैं अक्सर बच्चों को कहा करता था, मन क्यों बहकारी बहकारी आधी रात को। इसी प्रकार से सर जब आपने वी शांताराम की बात की और उसमें आपने फिल्म बूंद जो बन गई मोती, उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था गाना, और वो मैं समझता आज के लिए भी बहुत ही सार्थक है। ये हरी भरी कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, क्योंकि पर्यावरण के लिए इससे सुंदर गीत शायद ही मिले। इसी प्रकार से जब आपने नृत्य कला की बात की तो एक फिल्म आम्रपाली का मैं अवश्य जिक्र करूंगा कि भारतीय पृष्ठभूमि में भी है, जिसमें एक बड़ा मशहूर गाना हुआ था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तो क्या पाओगे। वो चित्र लेखा का, हाँ ठीक है, वो चित्र लेखा का था। तो कवि जी दोनों एक साथ ही बनी थी आसपास। इसी प्रकार से सर देखें तो भारतीय संस्कृति में जैसे आपने अनारकली की बात की तो तुरंत मेरे माइंड में मुगले आजम भी याद आई, जिसमें कृष्ण जन्म भूमि, कृष्ण जन्म के ऊपर जो गीत है, मोए पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, वो अपने आप में, हालांकि दोनों म्यूजिक नौशाद का ही है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, लेकिन तो मैं देख रहा हूँ सर अनारकली का म्यूजिक श्री रामचंद्र का था। हाँ उनका श्री रामचंद्र का था और इसका नौशाद का था। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज तक यदि आप देखें कुछ चीजों में मेरे को बड़ी गड़बड़ दिखाई दी है कि भारतीय संस्कृति का मजाक भी बहुत बनाया गया है और उसके लिए साधु संतों को लिया गया। और इसमें मुझे आज तक इनके बड़ा ही अजीब सा लगता है वो गाना जो बैन होना, मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए था, सन्यासी फिल्म आई। अब सन्यासी फिल्म का अर्थ एक, जैसे हम नाम सुनते सन्यासी कौन है, और वहां पर गाना कौन सा बजाया गया, चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। क्या ये मजाक बना के रख दिया इन्होंने। इसी प्रकार से एक फिल्म आई थी पीके अभी कुछ दिन पहले, वहां पर किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। इसी प्रकार से एक फिल्म आई ओएमजी,
ठीक है कि आप भगवान को ना माने, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई माने, लेकिन मेरा एक प्रश्न जरूर है कि क्या हम प्रगतिशीलता के नाम पर हमें अन्य आम व्यक्तियों की आस्थाओं पर जो है मजाक बनाने का अधिकार है? नहीं, ये जो मेरा प्रश्न ये इसलिए कर रहा हूँ सर मैं कि होता क्या कि जैसे कि सर आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कहा कि सिनेमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और मेरा एक और मानना है कि सिनेमा, क्योंकि भारतीय सिनेमा संगीत से बहुत जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो गीत आते हैं उनका प्रभाव उससे भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सिनेमा तो आज आप देख लेंगे गीत आप हमेशा सुनते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वर्तमान में मैं ये परिवर्तन देख रहा हूँ कि जहाँ पर भारतीय संस्कृति का मजाक बनाने का मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ठेके ही उठा लिया हो, वो चाहे पंथ निरपेक्षता के नाम पर अथवा प्रगतिशीलता के नाम पर। ये जो स्थितियां हैं इनके ऊपर भी हमें, मैं समझता कि एक गंभीर चर्चा और चिंतन की आवश्यकता है। उसका कारण गुप्ता जी ये है मूल का कि पिछले हमारे 40-50 वर्ष में जो समाज था, समाज का मूल्यों का विघटन हो गया, आपस में एक नियंत्रण उसके ऊपर चेतना पर नहीं रहा, तो उसमें स्वेच्छाचार जो होता है ना, जैसे वो शूर्पणखा का वाला हिसाब बन जाता है, तो वो लोगों ने एक दूसरे का, एक दूसरे पर आगे होता था नियंत्रण, हम लोग जो देखते थे अगर गलत करते थे तो हमारे गली मोहल्ले का आदमी भी हमें फौरन कह देता कि ये गलत कर रहे हो। हमारा सामाजिक ताना बाना जो था इसमें बड़ा विच्छिन्न हुआ है। सामाजिक ताना बाना जो था उसके अंदर एक ऐसा नेटवर्क था कि जिसके अंदर अगर बुराई है तो उसको सीधे प्रत्यक्ष रूप से कहने में लोग संकोच नहीं करते थे, अब लोग कहते ही नहीं है, अब उसको कहने की बजाय लोग उसमें हंस के चल देते हैं। तो ये उसके अंदर लोगों के अंदर वो चेतना को फिर से क्लाइमेट ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना, हम उसमें खुद दायित्व को लें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि नहीं कोई भी आदमी इस किस्म का हास्यास्पद, अपनी परंपरा का हास्यास्पद बना देना या उसके इस रूप को विकृत रूप में प्रस्तुत करना, ये प्रगतिशीलता तो इसको कहते नहीं, ये प्रगति थोड़ी है, ये तो निगति है। प्रगति जो है उसकी भी कोई दो धाराओं में, मर्यादाओं में चलती है, जो निर्मर्याद हो जाए वो प्रगति नहीं होती है, वो प्रवाह होता है, वो एक फ्लड है, वो फ्लड जो है वो कहीं भी प्रवाहित करेगा, नष्ट करेगा सब कुछ। प्रगति की धारा में चलती है, उसके दो किनारे चलेंगे तब प्रगति है, जब नदी का किनारा ही कोई नहीं होगा तो नदी जो है वो ध्वस्त करेगी सबको। तो ये लोग उसमें सामाजिक ताना बाना हमारा शिथिल हो गया, और उसको शिथिल करने में ये जो हमारे बहुत से अपने ही जज दाचरती श्रेष्ठ तत्देवे तो रोजना, हमारे ही ऊपर के लोग जो थे उन्होंने स्वेच्छाचार, राजधर्म जो है, राजा में ही स्वेच्छाचारिता अगर होगी तो प्रजा में स्वेच्छाचारिता क्यों नहीं आएगी? वही अगर ऊपर से कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे तो वो नीच, वो लोग के अंदर आम आदमी जो है उसे अपने आप को वो पहले स्वच्छंद कर लेता है। जी, मुझे लगता है कि ये भी एक पक्ष हमें जो है संस्कृत शास्त्रों के आधार पर बनाना चाहिए कि निर्देश क्या होने चाहिए या मर्यादा शास्त्र क्या होना चाहिए फिल्मों का। नहीं, वो कला नहीं है, वो कला का मैंने इसीलिए कहा ना कि वो अनुकृति नहीं है। जी, वो अनुकृति वो है कि जहाँ अनुकरण का रिक्रिएशन, जहाँ उसकी अनुभूति में जाना है। हाँ, लेकिन उसको इन राइटिंग लाना और एक मुझे लगता है कि उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना वो बहुत जरूरी है। तो वो भी कार्यशाला में हम लोग किसी वक्त लेंगे जब कार्यशाला लगाएंगे। इसी बीच डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी, नमस्कार सबों को समवेत रूप से। मैं आदरणीय अंगेरस जी को नमन करता हूँ, और जो उन्होंने बातें कही है बड़ा अच्छी मुझे लगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे राजेंद्र गुप्ता जी ने भी जो बातें कही है उसके पीछे एक बात और है।
ये जो बात आरंभ में जो हमारी संस्कृति के अनुरूप फिल्में बनती रही हैं और हमारे अंदर उसके कारण पूरे समाज में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार होता रहा है, कालांतर में एक विशेष मनोवृत्ति के लोग हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति और संस्कृत को विद्रूप करने की दृष्टि से और धर्म को भी प्रयोजन सहित एक नरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है और उस नरेटिव में यह दिखलाने का प्रयास करने का प्रयास उन लोगों ने किया है कि जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपका साहित्य है, वह पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतनी विसंगतियां और इतनी विकृतियां हैं कि आप उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि चलचित्र हमारा जनमानस तक धीरे धीरे मनस को परिष्कृत करने के लिए, परिवर्तित करने का एक स्रोत है। इस कारण ही उन्होंने क्या किया है, जैसा कि राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई जिसे ओ माई गॉड और अन्य प्रकार की, जिसमें हमारे धर्म के मूल तत्व को ही आघात किया गया है उसमें। दूसरी बात, ये नरेटिव सेट किया गया। आप देखेंगे कि कभी कभी संस्कृत युक्त जब हिंदी बोलते हैं तो वह व्यक्ति विदूषक होता है, वो नायक नहीं होता, और वह उस प्रकार हास्य उत्पन्न करके हमारी भाषा को के ऊपर जो प्रहार किया है वो अत्यंत ही अशोभनीय ही नहीं, दुखद भी। और दूसरी बात, हमारे दर्शन, हमारे धर्म के मूल तत्व को उपहास का पात्र या गलत सिद्ध करने का एक जो नैरेटिव लोगों ने चलाया है एक लंबे कालखंड तक, उससे हम ही नहीं, हमारा जनमानस भी प्रभावित हुआ है और हमारे जो विश्वास की जड़ें हिलने लगी हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के फिल्मों की संरचना भी करें और लोगों को प्रेरित करें, जिसमें शास्त्रीय ढंग से अपने जनमानस को संबोधित करें और उनमें उनमें जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसको परिष्कृत करने का प्रयास करें। वर्तमान सरकार में ये सारी बातें कुछ कम गई हैं और कुछ अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड चला था एक नरेटिव सेट करने का, उसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। जी जी, बिल्कुल सही है। रविंद्र कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, और उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश जी, अगर सर आप और मोहन मोटू जी, आप में से जो भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहे संक्षेप में और सटीक रूप से। जी रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। रविंद्र जी, अविनाश जी जो कहा उन्हीं की बात के समर्थन में मैं केवल एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ सर आपको। हमारे यहाँ पर आंखों के लिए अनेक शब्द हैं और जिनमें एक शब्द है चक्षु, जो कि एक दिव्यता की ओर संकेत करता है, वो वासनात्मकता की ओर नहीं करता। लेकिन जब ये फिल्म में आया तो वो जैसे इन्होंने कहा कि उसको हमने क्या किया, हास्यास्पद बना दिया। उस एक गाना आया, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम काम श्री गणेश करें, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल। तो वो जो गाना है पूरा का पूरा एक धोती कुर्ता पहने हुए हीरो है, हास्य रस में ले जा रहा है। इनके शब्दों का जो चयन है, जिनकी पीछे दिव्यता होती है, उनका भी हमने मजाक बनाया है। और एक छोटा सा और दे रहा हूं सर मैं, पंडित शब्द का आप उसके ऊपर चूंकि समय नहीं है, लेकिन फिल्म क्या बनाई जाती है, पोंगा पंडित। अब ये जो भ्रष्ट इनके भाषा के साथ जो खिलवाड़ होता है सर, और जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये है स्थिति जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि किस प्रकार की भाषा का, और विशेषकर जो हमारी सांस्कृतिक भाषा है, मैं सांस्कृतिक भाषा की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि हमारी चाहे वो संस्कृत है चाहे हिंदी है, ये बड़ी ही व्यापक हैं।
इनमें एक एक शब्द का अर्थ है, सार्थकता है उसमें, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। उन्हें तो विद्रूप बनाया किया जा रहा है। मैंने इसीलिए रविंद्र जी, इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये जो स्वल्पम तथो ग्राह्य मपास्य फल्गु, ये जो बाहर से जो प्रभाव आ रहे हैं या अंदर से प्रभाव उदय हो रहे हैं ना, उसको फोकस और निकालना पड़ेगा। उसको जो उसमें कीचड़ आ रहा है तो कीचड़ को बाहर तो करना पड़ेगा जी। जल्दी से हम और भी टिप्पणी ले लेते हैं, विचार ले लेते हैं। यदि आप स्वयं कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर सदानंद जी, विल यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? मोहन मट्टू जी हैं। हाँ जी, मोहन मट्टू जी भी हैं। एनीवन, राहुल खटे जी हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर रूपिका जी हैं। जी जी सदानंद जी, तब तक आप साउथ इंडिया से डॉक्टर साहब हैं। सदानंद जी सर्वेशन धन्यवाद, नमस्कार। एंड सॉरी, आई फील बेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, प्लीज एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द, इट इज नॉट ओनली द मूल्य शोषण, मूल्य तोषण। मूल्य शोषण हैज हैपेंड नॉट ओनली टू कला साहित्य फिल्म एंड सच वर्ल्ड, इट हैज ऑल्सो हैपेंड टू द अदर आर्ट एंड साइंस फॉर्म्स लाइक आवर ओन प्रोफेशन, द प्रैक्टिस ऑफ वैद्य मेडिसिन एक्सेट्रा। सपोज वी लुक बैक टू द ट्रिनिटी, वाग्भटाचार्य चरक शुश्रुत, वाग्भटाचार्य, there is a description of a consultation done by him and cure given to a patient and the family who belonged to the Maharaja, who was a neighbor, and the Maharaja was so much enthusiastic to remunerate him with something, with gold ornaments etc. He never accepted that. He wanted only one thing, that is the kirti of such practices in his rajya, in his country, should spread to other places and other people also should get benefited by it. That was the only thing that he desired. Just imagine the present day practice, which we are getting the criticisms in the daily newspaper, and what was happening at that time in the field of Ayurveda. Coming to the Natya Kala as such, suppose we take, I will refer to certain authors from Kerala. Suppose we are taking certain authors, Natya Kala, Ettu Veetil Pillamar, Akbar, this type of Natya Kala Kriti written by Kodungallur Konyakuttan Tamburan, etc. They are specifying the rules of Natyakala at that time. Gory scenes, aggressive scenes, showing blood, stabbing, etc., should not be shown in the scene. Yeah. Should be shown only at the background as a sound. Ji, right. And those rules are really flouted. Now coming to the two commentators of the Natya, Abhinava Gupta ji from the north, Kunyunni Raja, if you take from the south, if you take from Madras, Sanskrit, if we take them, the audience has changed, the actors have changed. Their support system, financial support system has changed. I will refer to the debarring of the Maharajas from getting the privy purse as one of the biggest blow given to the art and performance art and other kala of our country, that is the ancient Bharat. There is an inscription when we are traveling in Paris from
to reach Hospital Avicen, there is a particular building where such an instruction is given. What is the instruction? With the instruction only, the country is getting fabricated. With the instruction. Avec l'instruction devenue nation. With the instruction only, the nations are being built. Here the instructions are, instructions itself is devalued. Moolya Shoshan has happened to the instruction itself. The rules are being changed slowly, slowly. See the film critic and the critic, say Ulloor S. Parameshwar Iyer, his Sahitya critic in Malayalam and Sanskrit. If you compare with the criticism of the films and Nadak of the present day, what a difference in the quality. Right. So I would like to end at that point. So the Parivartan is necessary. Yes. Not only in our thinking, but also in our practice. The environment also should encourage the artists. Artists are finding it very difficult to exist. It has become an existentialistic problem for the five cardinal art, performance art of Kerala. Krishnanatangali, Kathakali, Ottanthullal, Chakyarkoothu, Nangiyarkoothu. They are finding it very difficult to manage their life and perform the artistic work throughout their life. Thank you very much. This is really very sad to know. Yeah. Okay. But thank you, sir. Thank you so much for drawing thank our you, attention to thank this. Thank you, Ajari ji. जी डॉक्टर जयप्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हो या डॉक्टर रूपिका जी राहुल जी आप लोग अपनी को बात कहना चाहते हो जी मैम नमस्कार सर नमस्कार श्रद्धेय गुरुवर को सुनने के बाद जो एक प्रसाद पूर्ण भाव मन में उदित होता है उसको क्षीण तो नहीं करना चाहती अपने शब्दों से लेकिन फिर भी मुझे अपनी एक बात जो रखनी है अगर वो गलत लगे तो मुझे सुधारा जाए ऐसी मेरी विनती है जैसे रमाकांत जी ने कहा कि जो कलाएं होती हैं वो हमारी वृत्तियों को हमारे स्वभाव को उदात बनाती हैं लेकिन जहां तक चलचित्र की बात आती है सिनेमा की बात आती है तो वो समाज की एक व्यापक परिदृश्य को लेकर चलता है तो समाज में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है निर्देशक को कई बार ऐसी परिस्थितियां प्रेजेंट करनी पड़ती हैं पात्रों के माध्यम से जो हास्यास्पद लगती हैं लेकिन उससे हमें समाज की विकृतियों का पता भी लगता है लेकिन मुझे लगता है कि निर्देशक फिल्म को वहीं तक सीमित ना रखकर अगर उसके उद्देश्य को रस और आनंद तक पूरी परिपक्वता से पहुंचा देता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है तो किसी भी फिल्म का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए धन्यवाद ठीक है तो अब यदि किसी और का कोई टिप्पणी या कोई और वक्तव्य है तो वो हमारे साथ साझा कर ले नहीं तो उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सीडीएस कौशल जी को जो कि जी जी मशहूर जी जी वो मोहन मटू जी का नहीं रहा वो छोड़ दे बीच में मेरा ख्याल है है नहीं है। जी तो चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निदेशक महोदय डॉक्टर सी डी एस कौशल जी को कि हेलो आई एम स्टिल देयर ओ ओके सर प्लीज विल यू शेयर योर व्यू सर विद अस Your comments. I have just joined out of because I just met Mr. Angiras last time. This subject is very mind-boggling for me because I am an a topic about films in how to evaluate it in Sanskrit. That is the topic. So Sanskrit being a language which I love, but I am not able to grasp it to its full extent, although I have been making some attempts.
But then I have been a film goer in my regularly watching movies. But I always used to find, you know, that after 2 years back, I'm talking about 20, 25 years, 30 years back, when the movies were released, then there used to be a review by the critics, what the subject is today. And yes, the critics would be giving, you know, some of the critics were doing star rating. So 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. And normally I would find any foreign movie would get 4 star plus. But Indian movies, many movies would get 2 stars, 2.5 stars, 3 stars, you know. And then what was very, you know, was very, I would say, not agreeable to me was, ki movies I liked would have very few star rating, and the movies I disliked would have many high rating. So again, I used to always find, is it a very subjective, giving a rating to any movie is very subjective. Because then, like, if you see individually, if given a choice between a very serious Satyajit movie and a comedy movie, I would choose a comedy movie. Because I believe that why should one pay and get distressed in a movie hall? That was my opinion about the film. So my always contention was the movie should be only for entertainment so that you go and relax, enjoy. तो यहाँ पर वो आई हैव सीन ड्रैकुला मूवीज इन थर्ड शो और कांपते कांपते घर थिएटर से बाहर निकलते रात के 12 बजे. तो दिस मूवीज हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन यू एंड इट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी. कि वो कोई रोना धोना हो तो आई फील वेरी मच डिस्टर्ब, आई गेट अफेक्टेड बाय इट. ऑल्दो आई नो इट्स ऑन अ स्क्रीन, बट वी गेट सो मच एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर्स, दैट इज आवर शॉर्ट कमिंग. बट देन दिस इज जस्ट यू नो कि आई फील द इवैल्यूएटिंग मूवीज इज अ वेरी 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 आई डोंट नो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दिस व्हाट इज सब्जेक्ट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच अ मूवी यू बी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स ऑफ सर हृदय एंड अदर थिंग्स, अदर इश्यूज, ठीक है ना, सर हृदय एंड रस एंड ऑल दोस थिंग्स. थैंक यू सो मच जी डॉक्टर जयप्रकाश जी. सभी दर्जनों को नमन, और डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी के चरणों में प्रणाम, चरण स्पर्श. डॉक्टर आशुतोष जी, बहुत ही सुंदर विषय आपने लिया है और मेरे मन के तो बहुत निकट है, किंतु मुझे लगता है कि हम चिंता प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ बहुत अधिक कर नहीं सकते हैं. जहाँ तक फिल्मों की बात है, विशेषकर जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, उसमें से जो फिल्में निकल कर के आ रही हैं गत लगभग 30 वर्षों से 40 वर्षों से, उनके तो यदि आप नाम, उनके डायलॉग डिलीवरी और उनके गाने, ये तीनों भी देख लें, तो उसमें पहले तो अपनी भाषा के स्थान पर जिस भाषा का प्रयोग वहाँ हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी आजकल तो जो नाम है फिल्मों के, जो मुंबई से फिल्में बन रही हैं विशेषकर, उनमें लगभग 90% या उससे अधिक नाम वो मूलतः हिंदी या संस्कृत से न होकर उर्दू से या अंग्रेजी से आ रहे हैं. गाने अधिकतर शायरी है, उर्दू की शायरी है, और वो हमारे मनोमस्तिष्क में ठूंसे जा रहे हैं उनमें संगीत दे करके. और जिस प्रकार से अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का, जैसे रविंद्र जी ने बहुत अच्छा कई उदाहरण देकर के बताया, अपमान और तिरस्कार जिस प्रकार से किया जा रहा है, वह निश्चित ही जो लोग इसकी चिंता करते हैं उनके लिए चिंताजनक है. किंतु केवल फिल्मों में ही, जैसा कि सदानंद जी भी कह रहे थे, अन्य सभी विभागों में भी हमारा इस प्रकार से चिंतन का ह्रास हुआ है और निरंतर होता जा रहा. अभी कल व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, साहित्य का ग्रुप, एक डॉक्टर लोक सेतिया हैं, वो सिरसा से हैं, उन्होंने बनाया हुआ था, मुझे उसमें रखा हुआ था.
तो अभी मैंने देखा कि उन्होंने मुझे उससे रिमूव कर दिया। रिमूव करने का कारण उन्होंने एक अपना पोस्ट वहाँ पर लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि ये रामायण और महाभारत अब हमारे देश पर लागू हो रही हैं और जिस जो विकृतियाँ रामायण और महाभारत में हैं वही विकृतियाँ अब इस देश में आ रही हैं और उसी तरह से कुशासन हो रहा है। और वो लिखते हैं कि दशरथ जो है वो एक शब्द भेदी बाण मारते हैं और श्रवण के माता पिता को श्रवण कुमार को लगता है श्रवण के माता पिता उसको जो है श्राप देते हैं और उस श्राप के कारण से दशरथ विवाह करते हैं और उनके पुत्र होते हैं और वो पुत्र मोह में उनकी मृत्यु हो जाती है, पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कहते हैं कि श्रीमद् रामायण में ऐसा करके बताया गया है और रामायण और महाभारत में ऐसी विकृतियाँ अनेकानेक विकृतियाँ हैं। तो मैंने उनसे लिखा कि पहले तो मुझे ये बताओ कि श्रीमद् रामायण शब्द कहाँ से आया, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण शब्द का प्रयोग किया, अन्य जो भी राम कथाएं हैं उनमें कहीं भी श्रीमद् शब्द नहीं आता। दूसरा, हाँ उन्होंने लिखा कि रावण जो है, रावण का जो एक पुत्र है रावण के पिता, रावण के पिता की गद्दी को पहले कुबेर ने हड़प लिया और कुबेर से जो है वो गद्दी रावण ने हड़प ली और वो पुष्पक विमान ले लिया जी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रावण के पिता के पास कौन सी गद्दी थी भैया। तो ऐसे तीन चार प्रश्न उससे मैंने पूछे तो वो नाराज हो गया। मैंने उससे केवल यही कहा, मैंने कहा आप रामायण के बारे में, राम कथा के बारे में, राम के विषय में बात करना चाहते हैं तो आप जो इसका प्रामाणिक साहित्य है उसको पढ़ लें एक बार। तो उन्होंने फिर लिखा कि सोनी टीवी पर ये सीरियल आ रहा है, आप देख लें। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियल में आपने जो देखा वो आप कुछ गलत कह रहे हैं, किंतु आप प्रामाणिक साहित्य को पढ़ लें, आप साहित्यकार हैं स्वयं। तो इस प्रकार से कुछ चर्चा होती रही, मैंने उनको फिर उसके कुछ उत्तर दिए और अंत में उन्होंने मुझे गरियाते हुए मुझे जो है ग्रुप से निकाल दिया। तो मेरा कहने का भाव केवल इतना है कि केवल जहाँ तक जो दृश्य श्रव्य जो हमारे पास माध्यम है उसमें केवल बॉलीवुड ही नहीं, जो OTT से या जो विभिन्न चैनलों से हमारी संस्कृति से संबंधित जो सीरियल्स बनाए जा रहे हैं और जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें भी बहुत सारी विद्रूपताएँ हैं। जी, अब उनको कैसे हम उनका प्रतिकार करेंगे या उनको रोक सकते हैं, ये बहुत कठिन अपने को दिखाई देता है। दो मिनट इसमें जयप्रकाश ने, स्थिति ऐसी है कि ये अनादिकाल से जो चला आ रहा है दौर, कि कुछ लोग आपको उसमें विपरीत मति के लोग होते हैं और वो इस समय का जो एक्सपोजर है, जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में वो है, लेकिन फिर भी आप देखें कि बीच बीच में जब कुछ चलचित्र आते हैं और दूसरा जो ये गिरीश कर्नाड की कुछ एक पिक्चर्स आई थी, स्वामी आई और सुर संगम उसके बाद आई, कुछ और आई, जिनके अंदर भारतीय जो मौलिक दृष्टि थी वो मौलिक दृष्टि का विरोध करके ही दूसरे लोग अपना स्थान बनाने की कोशिश करते रहे हैं और ये सृष्टि का नियम ही है कि वो संघर्ष करते रहें, उससे हमें कोई डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा कर रहे हैं, उनका विरोध करना, हम अपनी मौलिक दृष्टि का अगर स्थापना कर देते हैं। अब एक स्वामी पिक्चर आती है, आप उसका अगर कंटेंट देखें तो उसका कंटेंट इतना विशुद्ध आपका पारिवारिक है,
आप अगर सुर संगम को देखें तो उसके अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि वो पिक्चर जो है वो आपका मनोरंजन नहीं करती, जैसे मोहन कि मनोरंजन तो करती है कला, लेकिन मनोरंजन करते हुए वो आपको विकृति से बचाती है। अगर वो विकृति से रक्षा नहीं करती है, विकृत करती है, तो वो कला ना हो करके, उसका कश्मीर शैविज्म के अंदर कहा गया है, संभोग यस्य विश्रांति सा कला न कलामता लीयते परम आनंदे ये आत्मा सा परा कला। वो जो ऐसे बहुत सारे बीच में अभी एक आपने देखा हो तो अहल्याबाई सीरियल जो है वो लगभग 2.5-3 साल आता रहा है, और वो अपने आप में सीरियल जो था बड़ा सक्सेसफुल रहा और वेल अटेंडेड भी रहा, तो और उसमें कलात्मकता की हानि भी नहीं थी, देखा मैंने उसको। तो बीच में ऐसे लोग जो हैं वो तो करेंगे उनका, क्योंकि उनको जो अल्पज्ञ होता है वो अल्प के नहीं स्वल्प के नहीं तुष्यति सुपूरा स्यात् कुनदिका, ये संस्कृत में कहावत है कि जो कुनदिका होती है खोटी नदी, ये चोर जो खड्डे होती हैं ये जरा सी बारिश पड़ती है तो तुरंत भर जाती है ऊपर तक, सुपूरा स्यात् कुनदिका सुपूरो मुशिकांजलि, और चूहा जो है उसके हाथ में बादाम की एक पंजे में गिरी आ जाए तो वो दूसरी गिरी नहीं उठा सकता है, तो मुशिकांजलि जो है वो भी सुपूरा होती है। सुसंतुष्ट का पुरुष है, जो कापुरुष है ये भी उसमें सुसंतुष्ट, जितना इन्होंने पढ़ लिया है जितना देख लिया उतने से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसे कल्प के ना भी तुष्य थी, इनकी ज्यादा चिंता न करके हम वो क्रिएटिव पक्ष प्रस्तुत करते, हमारे लोग जो हैं वो अधिक से अधिक प्रस्तुत करें और उसमें इनका विरोध, ये जो ऐसी दृष्टियां होती हैं अल्टीमेटली ये बहुत दूर तक समाज को प्रभावित कर नहीं पाती। इसलिए समझता हूँ कि जो मुश्किल जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि मौलिक दृष्टि का इस्तेमाल वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, मौलिक दृष्टि हमारी जो है भारतीय की, हमारी मौलिक दृष्टि को पूछता है हमें तो हम उस मौलिक दृष्टि का ठीक से प्रतिपादन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी शिक्षा के अंदर वो शामिल ही नहीं है। उन घरों में से जो जिन घरों में ये संस्कृति का दायित्व रहा, उन घरों में से सब बच्चे जो हैं वो मौलिक आधुनिक शिक्षा पद्धति के अंदर आकर के अपने मूल से बिल्कुल विच्छिन्न हो गए, तो मूलोच्छेद होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। पर मैं कहता हूँ कि समय अनुकूल देख करके ये ठीक ही होगा, और आपकी चिंता जेन्युइन है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने आपको बाहर कर दिया तो मूर्ख वो अपनी अपनी मूर्खता है उनकी, उसमें अगर प्रश्न करने पर बारख कर देते हैं बाहर, उसमें नहीं समझ सहन कर पाते तो ये दुखपूर्ण है। बिल्कुल सहमत आदरणीय रमाकांत जी, पूरी तरह से सहमत। मुझे बाहर करने का कोई कष्ट नहीं है, मुझे उन्होंने, मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने फोन करके ऐड किया था कि आपको ऐड कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, मुझे आप चाहें तो ऐड कर लें, तो मुझे उसमें कोई कष्ट नहीं है। किंतु मैं एक दृष्टांत बता रहा था, और मैं सहमत हूँ कि बीच बीच में कुछ ऐसे चलचित्र भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे अच्छे सीरियल्स भी आ रहे हैं जो अपनी संस्कृति से, आप देखिए गत 600 वर्ष से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियां जो है संघर्ष करती आई हैं, पिछले 600 वर्ष ऐसे ही चले हैं, इसी निराशा को दूर करने के लिए तो ये आयोजन है। जी 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 धन्यवाद। और चित्रंजन जी, डॉक्टर जी आपको प्रणाम, और आपको बहुत बधाई, आप संस्कृत अकादमी के निदेशक हो गए हैं। एक और दृष्टांत मैं यहाँ आपसे साझा कर लूं, जो डॉक्टर आशुतोष जी को तो पता है, वाल्मीकि पर एक कार्यक्रम नैरेटिव की बात मैं, जो रविंदर जी बात कर रहे थे, तो नैरेटिव कैसे गढ़े गए हैं और कैसे हावी हो जाते हैं। एक ऋषि वाल्मीकि पर कार्यक्रम था एसटी कॉलेज में, आशुतोष जी वहाँ थे, एक लड़की ने उसमें डिक्लेमेशन कंटेस्ट था, उसमें पार्टिसिपेट किया, और जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था उसने अपना अपना वो जो स्पीच थी वो पढ़ करके सुनाई,
और उसका सारांश ये था कि वाल्मीकि रामायण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घर का भेद ही लंका ढाए, कि अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो हमारी मृत्यु का भी कारण हो सकता है। तो अब मैं ये चांस की बात है, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी, मुझे वो दृष्टांत ध्यान था कि किस प्रकार से रावण का वध हुआ है। तो मैंने फिर बताया उनको सभा को कि कम से कम जब वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है तब वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण ने कोई भेद नहीं बताया, अमृत कुंड की बात ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो माताली राम को बता रहे हैं कि वो जो आपके पास वस्त्र है उसको उसका संधान करो, उसके पक्ष में इसका वध हो जाएगा। तो और दूसरी बात, तुलसी ने भी विभीषण को कोई विदूषक तो बताया नहीं, कोई विभीषण यदि राम को नहीं बताते तो रावण का वध नहीं होता। इस प्रकार की का जो नैरेटिव बनाया गया है इस मुहावरे के द्वारा, वो किस प्रकार से, जैसा हमारी शिक्षा प्रणाली की बात श्रमाकांत जी कर रहे थे, तो इस प्रकार के नैरेटिव जो एकदम से सभी लोगों के, जो भी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनके मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं, तो ये चिंता की बात है। और उसका कारण ये भी होता है कि दूसरी चीज पता ही नहीं है उनको, वो अपना जी, जी, वो तो है ही। तो चलो, आप सभी हम का लोग बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सीडीएस कौशल जी को कि वो अकादमी की ओर से और इंस्टीट्यूट की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें और अपनी बात भी हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो इस सारस्वत सत्र में जो चर्चा हुई, बड़ी सार्थक चर्चा हुई, और हमें हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी का, गुरुवर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनका वक्तव्य जब भी सुनते हैं तो भावना रहती है कि सुनते रहें, इतना उसमें ज्ञान, इतना उसमें अनुभव समाया होता है। और मैं तो कह रहा था कि आशुतोष अंगिरस जी ये सारे ना रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ये दुर्लभ प्रवचन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाए जा सकें। और जो प्रतिभागियों ने भाग लिया, सबकी बातें बिल्कुल सही हैं, और इसमें बस निराशा को छोड़ करके और कुछ ऐसे बिंदु तय करके यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से नैरेटिव बदलेगा, जो बदल भी रहा है। जो आज समाज में, राष्ट्र में हम परिवर्तन देख रहे हैं वो सभी दृष्टि संपन्न अनुभवी कार्यकर्ताओं, गुरुजनों, युवाओं के तप त्याग से आया है वो परिवर्तन, और हर क्षेत्र में आया है। और जो ये हमारा काव्य शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का और फिल्मों का समाज के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मैं अपने अनुभव से कुछ सीख पाया, जान पाया, और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, 50 पैसे इकट्ठे कर करके बचपन में जब पढ़ते थे हम, तो शहीद फिल्म देखी थी मेरी, वो पहली फिल्म थी, यहाँ कुरुक्षेत्र में रुद्रा थिएटर में लगी थी, और गीता विद्यालय से सबको लेके गए थे। और जब वो शहीद फिल्म मनोज कुमार जी वाली देखी, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और देशभक्ति की भावना का संचार करने में आज भी उस फिल्म का कोई सानी नहीं है। और जादू वो जो सर पे चढ़ के, वो बड़ी फिल्में बनी है भगत सिंह जी के ऊपर, किंतु वो जो मनोज कुमार जी वाली शहीद आती है ना, तो सब उससे नीचे नीचे हैं, चाहे उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी। और ऐसी फिल्में रंगीन भी बननी चाहिए, जैसे मुगले आजम बनी। और
जो भारतीय नाट्य शास्त्र की गुणवत्ता है, उपयोगिता है, अभी एक प्रश्न अंगिरस जी झकझोरने के लिए हमेशा दागते हैं, कहते हैं, और अच्छी बात है, उसकी जरूरत है, क्योंकि जो आलस्य है उसको दूर करना है और उद्बुद्ध होकर के कार्य करना है, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ करके और अपनी एक पहचान, सशक्त पहचान, चाहे उसे हम मानवता की पहचान कहें, भारतीयता की पहचान कहें, भारतीय संस्कृति की पहचान कहें, सत्य की पहचान कहें, सत्यम शिवम सुंदरम की पहचान कहें, उसको स्थापित करना है। और मुझे गीता का वो श्लोक याद आता है कि यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा तत् तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। आज भी इसके आप स्वयं प्रमाण है, जहां संस्कृतज्ञ जो उद्बुद्ध है वो खड़ा हो जाता है, अपनी बात करता है, तो सब उसकी बात सुनते हैं। मैं भी छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं संस्कृत का, जहां पर भी रहे वहां पर सबकी भावना रहती है कि आप बताइए। और मुझे याद है कि यहाँ पर फिल्म एप्रिसिएशन प्रोग्राम होते थे अंदर भी, और फेस्टिवल भी होते थे, और उनके अंदर बड़ी कलात्मक फिल्में दिखाई जाती थी। अब ये भी शांताराम जी का नाम लिया आपने, हमने उनकी फिल्में देखी हैं, और सारा हाल खचाखच भरा होता था और रस उत्पत्ति भी होती थी, आनंद भी आता था। और जो कहा गया है कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्यम यह श्रेष्ठ कृते व्यवहार विदेशी वे तर्कते सद्य पर निर्वृते कांता संगति उपदेश युजे, ये सारी बातें जो आई हैं वो सारे के सारे चरितार्थ होते दिखाई देती थी। ये विकृति क्यों आई है? रुचियों में परिष्कार करने की जो एक परंपरा थी वो नष्ट हो गई, और भाषा का परिष्कार, रुचियों का परिष्कार, जीवन पद्धति का परिष्कार, दिनचर्या का परिष्कार, ये सारा कैसे होगा? जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, और ना केवल मात्र अपने भारतवर्ष के युवाओं को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे, बल्कि विश्व को जोड़ेंगे। ये विश्व संस्कृति है, और इसमें मेरा तो दृढ़ मत है कि बच्चों को हम जब ABCD सिखाते हैं तो क्या उनको हम ये नहीं सिखा सकते? आई युण रिल रिक ए उंग ऐ उच हय वरट लण निम गम जभय गढ़दश चब गढ़दश खप छठ चढ़तव कपे शस्त्र हल सिखा सकते हैं। ये हमने नहीं सिखाया, ये हमारी कमजोरी है। कब तक लाड में काले को दोष देते रहेंगे हम? ये हमें करना होगा। और अंगिरस जी इस प्रयास में जो लगे हुए हैं, आशुतोष जी वर्कशॉप लगाइए आप, इनकी जरूरत है। आपको वो दृष्टि मिली हुई है, सबका सहयोग है, सबका मार्गदर्शन है, और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संस्कृत प्रकोष्ठ की ओर से जो निदेशक का उत्तरदायित्व है, मुझे भी यही कार्य सौंपा गया। इसी के लिए ही प्रभु ने हमें निमित्त बनाया है, और ये कार्य करना ही करना है। देखिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात एक ही है, सच्चाई एक ही है। क्या कभी किसी ने ये कहा कि मैं झूठ के मार्ग पर चल रहा हूं? किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी प्रगतिशीलता का हो, किसी भी विचारधारा का हो, हर कोई सत्य को जानना चाहता है, सत्य पे चलना चाहता है। उसकी अपनी अपनी कोई मोटिव हो सकता है, किंतु कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, भ्रष्टाचार के रस्ते पे चलना चाहता हूं, गलत रस्ते पे चलना चाहता हूं। हर कोई कहता है मानवता के रस्ते पे चलना है, और वो मानवता का संदेश ही तो है, भारतीय का संदेश, हिंदुत्व का संदेश, भारतीय संस्कृति का संदेश, सर्वे भवन्तु का संदेश, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, यही तो भावना है। और जो सत्यम शिवम सुंदरम जो आया है हमारा मोटो, हमारे दूरदर्शन का भी, वो कहां से आया है? भारतीय संस्कृति से आया है। और विकृति तो इतनी हो गई है कि हम धर्म का भी मर्म नहीं जानते, धर्म को भी हमने संकुचित कर दिया है। तो ये जो शब्दों का और अनुवाद का जो ये घटाटोप चल रहा है, और ये जो मर्यादा भंग हो रहा है, रामायण का एकमात्र यही उद्देश्य है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हम अपने अर्थ और काम को धर्म से नियंत्रित करें, और जीवन के उस
मोक्ष के यथार्थ को समझें, जानें और जीवन को सफल करें, ये है। किंतु इन शब्दों के तभी मर्म को हम समझ पाएंगे जब हम उनको परंपरा से भी जोड़ेंगे, परंपरा के अंदर जो एक गुह्य तत्व है। देखिए ऋषि लोग तो कितने स्पष्ट थे कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपासितव्यानि नोतिराणि। बताइए, आप जीवन को देखिए, जो अच्छा लगता है, जो अनुकरणीय है, उसको अनुकरण कीजिए। और ये हमारे जो काव्य शास्त्र की मीमांसा है, आलोचना है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में होते थे ना, तो सबसे बड़ी आलोचना पता कौन करते थे? मैंने तो देखा सारा, ये भाग लिया हुआ इनके अंदर, प्रोफेसर दिनेश दधीची जी। मेरा नाम उनके मुख में, मेरे मुख में उनका नाम आता है बार बार, क्योंकि वो संस्कृत की परंपरा से जुड़े हुए थे। उनके पिताजी बड़े भारी विद्वान थे संस्कृत के, और वो स्वयं भी विद्वान थे संस्कृत के और अंग्रेजी के प्रोफेसर विद्वान। उनकी जो एप्रिसिएशन होती थी, आलोचना होती थी, समीक्षा होती थी, वो सबसे अद्भुत होती थी। तो असली चीज क्या है कि हम अपने इस शास्त्रीय ज्ञान को उसका सरलीकरण करके कार्यशाला के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से जोड़ करके बच्चों के हृदय तक, बुद्धि तक पहुंचाएं, वो इसको कठिन मान करके इससे दूर ना भागें। और जो ये सीरियल्स हैं, मैं कहता हूं क्या रामायण से बढ़िया कोई सीरियल था? सारा भारत थम जाता था उसको देखने के लिए, सब नियमों से ऊपर, कोई मिलता नहीं था कि किसी से रास्ता भी पूछ लें, सब रामायण देखने में लगे हुए हैं। तो जादू वो जो सर पर चढ़ के बोले, रामायण और महाभारत, हमारे वेद उपनिषद, इनका जादू तो सारी दुनिया पर है, सारी दुनिया के विचारकों पर है। और उस भाव को हम हृदयंगम करें और बड़ी युक्ति बुद्धि से आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज के इस वितंडावाद के युग में, आज के इस षड्यंत्र भरे युग में बड़ी बुद्धि नीति से उसको हम फैलाने में निश्चित रूप से सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध होंगे। इसी भावना से मैं देखता हूं कि आशुतोष जी लगे हुए हैं और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का संस्कृत प्रकोष्ठ भी इसमें अपनी शत प्रतिशत सहभागिता करने के लिए उद्यत है। और प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस जी का जो हमें निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है, उसमें हम अपने उद्देश्य में सफल सिद्ध होंगे। और सब सहभागियों को भी धन्यवाद, क्योंकि आपकी सहभागिता से ही जीवंतता बनी रहती है। किंतु निराशा का छोड़ करके कार्य करना है, युक्त बुद्धि से कार्य करना है, सफलता निश्चित है, सत्यमेव जयते। और भारतीय संस्कृति अवश्य जयं प्राप्स्यति, नास्ति संदेहः। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार पूर्वक सारी बातों को कहा है और सबका उत्साह वर्धन भी किया है। इससे पूर्व कि हम आज की ये वार्ता को यहीं पे पूरा करें, बीच में मैडम सुमित्रा ने अपना हाथ उठाया था, आप मैडम बहुत संक्षेप में अपनी बात हमारे साथ साझा कर लें, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। जी सुमित्रा जी, नमस्कार सर, मैं वेबिनार में कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, जिसका ये जो टॉपिक है चलचित्र। जी जी हाँ सर, पहले तो मैं इस बात पर ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तो लैक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज की वजह से सोशल मीडिया पर और बाकी जो मास कम्युनिकेशन के जो भी हमारे संचार के जो मीडियम है उनमें काफी मिसकंसेप्शन है। एक तो जैसे नारद मुनि के करेक्टर को और लॉर्ड इंद्रा के करेक्टर को भी जैसे सीरियल के थ्रू या फिर मूवी के थ्रू काफी मिसकंसेप्शनली प्रेजेंट किया गया है। जैसे नारद मुनि काफी अच्छे स्कॉलर थे, विद्वान थे, लेकिन उनको अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया गया है और लोग कभी उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। वो जो मीडिया में उनका जो एक इमेज बनी हुई है वो उसी तरीके से ही उसको देखते हैं। जी। दूसरा, एक अभी एक न्यू रामायण आई थी आदि पुरुष, तो उस
जिसका बिल्कुल ही अलग तरीके से रामायण को प्रेजेंट किया गया। नहीं तो पहले जैसे अडॉप्टेशन होती थी, जैसे हम साथ साथ मूवी आई थी, रामायण की ही अडॉप्टेशन थी, लेकिन उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया था घरेलू जो है उस वे में। लेकिन अब जो आदि पुरुष आई है वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही तरीके का मतलब प्रेजेंटेशन था। तो अब जो सिनेमा है उसकी क्वालिटी काफी डाउन होती जा रही है। हमारे जो ये जो पुराने जो पुराण हैं या फिर जो कहानियां हैं, अभी तो बॉलीवुड डूब गया, देखा ना क्या हाल हुआ बॉलीवुड का। जी। तो आदि पुरुष से तो बिल्कुल ही डाउन चला गया है कि रामायण जो हमारी लिए इतनी होली है उसका ऐसा हाल है। तो ये सिनेमा का एक बिल्कुल बहुत ही एक जो स्केल है, डाउन स्केल है, उसको प्रेजेंट करता है। जी ठीक है मैम। मैडम जो है डॉक्टर सुमित्रा जी, मेरे ख्याल पीएचडी अभी कर रही हैं और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से, और अंग्रेजी में महाभारत पे शायद वो है ना, महाभारत के प्रश्न मीमांसा इस पे वो कार्य कर रही हैं। जी जी ठीक है। तो चलिए आज के इस परिचर्चा में आप सभी का भाग लेने पर आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चर्चा की और विशेष रूप से प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए जो वक्तव्य दिया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पे हम विचार करेंगे। और चित्रंजन जी का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने कार्यशाला करने की अनुमति दी है, और मुझे लगता है कि कार्यशाला में ही इस विषय को हम दोबारा से लेंगे और देखते हैं कि हम जल्दी इसको आयोजित कर सकें। तो परसों दोबारा हम लोग मिलेंगे 6 तारीख को, और डांस ऑफ शिवा के ऊपर जो है उसके एस्थेटिक्स और उसकी फिलॉसफी क्या है उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद अगले कुछ अगले उसमें सप्ताह में इकोनॉमिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह के विषयों को हम लोग लेंगे जो कि संस्कृत शास्त्र पर आधारित होंगे। तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग डॉक्टर शशि शेखर जी स्वागत है आपका। आप ग्रुप में अगर आप अपना संदेश छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना परिचय एक बार अनम्यूट करके दे दीजिए। जी सर, सभी को सादर प्रणाम। आपका सत्र बहुत ही उत्तम लगा, और जो है मैं थोड़ा सा विलंब से इसमें प्रविष्ट हुआ, मेरी क्लास थी। अब मैं आपके समूह से नियमित रूप से जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद, ठीक है, परसों मिलते हैं 10:30 बजे। मैं रिमाइंडर इस डाल दूंगा। धन्यवाद, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।